साल के लिए था, फिर 5 + 5 10 ईयर्स हुआ और आज 10 + 4 है। तो ये जब चीजें देखते हैं तो इसमें जब हमको फीडबैक मिलता है, हमको एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसमें संशोधन होते हैं और इसमें भी आई हैव नो डाउट देयर विल बी संशोधन होंगे और इसको मोर इफेक्टिव बनाया जाएगा। एम इज कि वी मस्ट हैव अ यंगर फिटर एंड टैक्स हैवी आर्म फोर्सेस स्पेशली इन द लोअर लीडरशिप जो होती है उसमें, क्योंकि दे आर द वंस हु मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ डिफीट एंड अ विक्ट्री। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये दिशाहीन है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और हमारे तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ ने इसको 14 जून को अनाउंस किया है और अब हमारा ये कर्तव्य है कि इसमें किस तरह से इसको और बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि जो लोग बेसिकली रिहैबिलिटेशन पोर्शन है जिस पे लोग ज्यादा चिंतित हैं उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज सबको मालूम होनी चाहिए कि आर्म फोर्सेस आर द लास्ट रिसोर्ट इन द कंट्री एंड दे नीड टू बी गिवन द बेस्ट, दे नीड टू बी इक्विप्ड द बेस्ट, दे नीड टू बी मोर फिटर यंगर एंड इफेक्टिव एंड देयरफॉर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल रिक्वायरमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो आदमी के वेलफेयर के लिए नहीं बनता, हिंदुस्तान की रक्षा की सुरक्षा के लिए बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो एक अच्छी स्कीम है, इसमें कुछ संशोधन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, चुनौतियां हैं लेकिन ऐसी चुनौतियां नहीं है जो अनसरमाउंटेबल हैं। रिहैबिलिटेशन पार्ट वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो मैं कुछ सजेशन दे सकता हूं और कुछ और भी बेहतर करने के सजेशन हो सकते हैं, लेकिन स्कीम एज सच इज गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट मी एंड इट्स वेल थॉट आउट एंड इट्स ये दिशाहीन नहीं है। जरूर सर, मैं बाकी जो आपने कुछ संशोधन की बात की जिसकी जरूरतें हैं और जो रेजिमेंटल एफिकेसी की चीजें हैं उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अमित कर्नल अमित सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में जो नई सेना में जवानों की भर्ती के लिए है, और आप आपका पक्ष क्या है, आप क्या पक्ष रखते हैं इसमें? मेरा पक्ष कुछ नहीं, मेरा पक्ष सिंपल है कि मैं ग्राउंड सोल्जरी की बात करता हूँ। ग्राउंड सोल्जरी जब मैं बात करता हूँ, जनरल साहब से मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री हूँ पूरी तरीके से, और जब हम बात करते हैं किसी भी योजना की ना, उसको हम ऐसे सीधा एक लाइन पे ही खत्म कर देते कि अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहाँ पे बात देश की सुरक्षा पे आती है वहां पे कोई भी कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं हर एक चीज को एक एक साथ बात करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की पहले बात करता हूँ। हमारी फौज ने आज तक कभी फेल नहीं किया, हमारे सामने लीजेंड बैठे हुए, कभी फेल नहीं किया। और फेल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है ऑफिसर जवान और जो रेजिमेंटेशन है, लड़ाई का जो जज्बा है, कलर्स है, ये सब हमारे अंदर खून में आ जाता, ये एक दिन में नहीं होता। यही बातों को मैं आगे भी अभी तर्क के साथ रखूंगा। जब आप बात करते हैं अग्निपथ योजना की, तो ठीक है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, टेक्निकलिटीज तो है, बट ग्राउंड रियलिटीज तो ग्राउंड सोल्जर ही होल्ड करेगा ना। आप बोलते हैं टेक्निकल सेवी बनाना है, मॉडर्न बनाना है, तो हम तो वैसे ही बढ़िया है, हमने तो अभी तक फेल नहीं किया। मैंने 14 जून को माननीय रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट पहला पढ़ा था, उसमें बोला कि हम भारतीय फौज को विश्व की सबसे बढ़िया फौज बनाना चाहते हैं। तो मुझे यही डाउट हुआ, उनको अभी तक यही डाउट था कि हमारी फौज विश्व में बढ़िया नहीं है। हमारी फौज विश्व में सबसे बढ़िया, 4 क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग काम करते हैं। मैं ग्राउंड की इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे पास ग्राउंड का एक्सपीरियंस है जवानों के साथ में, वो ट्रेनिंग और वो ऑपरेशन दोनों की बात करता हूँ। उसके बाद मेरा लीगल एक्सपीरियंस अलग है 9 साल का, जहां मैं एक्ट की बात करूँ। जब हम बात करते हैं लड़ाई की, जहां पे हमें खुद लड़ना है, तब इस फौज में जब आप नए यंगस्टर्स ला रहे हो और ये 4 साल का आपने जो अग्निवीर का लगाया है, अगर आपको करना तो पहले एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। आप थोड़े से लेते हैं, हमारी फौज का ढांचा नहीं चेंज करते। फौज में आज के तौर पे 4 साल से कितना रिडक्शन हो गया फौज का, किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं बात करते इसको डिस्कस करने के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। हमारी फौज वैसे ही डेफिशिएंसी में चल रही थी, जवानों की डेफिशिएंसी ज्यादा थी। वॉर स्टेब्लिशमेंट टेबल और पीस स्टेब्लिशमेंट टेबल, हथियार के साथ बंदों के साथ में किसको कौन सा हथियार लागू है उस तरह से बनती है।
और उसी बेस पे आपकी योजना जो है, प्लानिंग जो है, ऑपरेशन जो है वो डिसाइड होते हैं। जब आप बात करते हैं चार को ऊपर से आपने डाल दिया कि भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हें चार साल के लिए बंदे देंगे, बाकी तुम्हारी अपनी है, इसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आनी है। प्रॉब्लम्स क्या आनी है? पहली प्रॉब्लम आनी है सिलेक्शन में, दूसरी प्रॉब्लम आनी है बंदे को, एक तो यूथ के साथ तो धोखा है, कोई जरूरत नहीं है अगर बताने की, यूथ के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया। और इसका कारण क्या बता रहे हैं कि ये खुद आना चाहते हैं, बट है क्या कारण? मेन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। आप गरीबी और बेरोजगारी का मजाक उड़ा करके आप एक भोले भाले जवान को 12th पास करके लड़के को यहाँ लेके आते हैं, फिर 4 साल के बाद छोड़ देते हैं, और 4 साल के बाद बोलते हैं आपके पास 11 लाख रुपए होंगे, 11 में से 5 लाख तो उसका खुद का है, 5.5 लाख, और बाकी का जो पैसा है वो भी आपको सोल्जर की पे नहीं दे रहे आप। मेरा मुद्दा यह है कि सभी लोगों का अपना अपना मानना। जनरल साहब ने कुछ बोला, मेरे साथ कई सारे ऐसे जनरल्स हैं जो अभी कमांड भी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे कमांडिंग ऑफिसर जिनके मेरे पास कॉल आते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी वॉइस नहीं है, देयर इज नो फ्रीडम टू देम टू स्पीक। किसको ग्राउंड पे काम कर रहा है? एक कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार को, कंपनी कमांडर को, इन लोगों को ग्राउंड पे काम करना है, जिनको ग्राउंड पे अपने बंदों की नफरी के साथ काम करना है। आज की डेट में वैसे ही नफरी कम है, जब मैं 2000 में कमिश्नर हुआ था उस समय भी 1.5 लाख की पूरी वो थी डेफिशिएंसी, और उस डेफिशिएंसी में हम कैसे काम चला रहे थे, तभी भारतीय फौज ने अभी तक किसी को भी अपने उसे वो नहीं कहा कि हम फेल हो गए। भारतीय फौज हमेशा आगे रही है इस डेफिशिएंसी से। अभी तो आप डेफिशिएंसी को पूरा रेगुलराइज कर दे रहे हो। आप 2 टेबल आपने बनाई है, 4 ब्रावो मॉडल है, हर एक का एक मॉडल बना होता है जिसके बेस पे आपके इक्विपमेंट्स, आपके हथियार, आपकी ट्रेनिंग, हर एक हथियार की एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है सेक्शन के अंदर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेक्शन है और योगेंद्र साहब बैठे हुए यहाँ पे बताएंगे, एक सेक्शन में RL रॉकेट लॉन्चर, अपना LMG है, और जो सेक्शन कमांडर है हवलदार, और दूसरा नायक है, उसके अंडर में 1 और 2 होता है, 3 और सिपाही जो आपका अपना आगे का स्कॉट रहता है उसके पास खुद अपने नौकरी होती है, स्कॉट को भी हम ऐसे ही लगाते हैं, वो भी एक्सपीरियंस बंदा कम से कम 4 साल का हुआ। 4 साल के अंदर आप जो बंदा ला रहे हो, समझना मेरी बात को, आपने ऊपर से अंग्रेजी बहुत अच्छी बना दी, इट्स वेरी गुड, बट आप ग्राउंड रियलिटीज पे एक्सपेरिमेंट पे बात नहीं करते। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, जब 4 साल में एक लड़का आ रहा है, 6 महीने में आप ट्रेनिंग, उसकी फिर लीव देखो आप 1 साल की, 1.5 साल तो आपका ऐसा चला गया, आपके जो बाकी के 10 बंदे हैं ना उनके ऊपर क्या लोड डाल रहे हो? अब उस बंदे को आपने सारी प्रोविटेड प्लेस दिखा दी, सारे वेपन्स के बारे में बता दिया, अपनी हर चीजों के बारे में बता दिया, ये 4 साल में फ्रस्ट्रेटेड, अभी ये फ्रस्ट्रेटेड होगा बंदा अगर उसको नहीं लिया जाएगा, एक तो फ्रस्ट्रेटेड होगा, और दूसरी चीज क्या रूल आउट नहीं कर सकते, साइकोपैथी। इसे रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते, चमचागिरी जिसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब वो सिलेक्शन मोड में आएगा ना तो उसको डर होगा कि अरे मैं मेरा परिवार है पीछे, मेरा सिलेक्शन कहीं ऐसा ना हो। आप रूल आउट नहीं कर सकते इन भाव, क्योंकि आदमी नौकरी के लिए आ रहा है। आप अग्निवीर में एक फॉर्म बना के दे रहे हैं कि आप अग्निवीर के विरुद्ध नहीं है, हर एक बंदे से, क्यों भाई आपको डर किस बात का? क्यों साइन करवा रहे हैं आपसे? अभी बच्चे जो आ रहे हैं हमारे, उनसे आप साइन करवा रहे हैं कि अग्निवीर जो है मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैंने किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ, आपको कानून की जानकारी है, उसके बावजूद आप इस तरह का एक एफिडेविट बंदों से ले रहे हैं, तो इससे आपकी मंशा पता लग गई। रिडक्शन आपने फर्स्ट का ऑलरेडी कर दिया, 4 साल का जो रिडक्शन, अभी आप हम उससे उभरे नहीं थे, आपने नया चीज निकाल दिया, और आप केवल बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे हमें जवाब नहीं देने कैसे होगा? और फिर आप बोलते हैं कि हम इसको आगे चुनौती को देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, देखेगा वो बेचारा एक JCO, एक हवलदार और एक कंपनी कमांडर मेजर साहब, जो पोस्ट पे 6 बंदों के साथ खड़ा होगा। यही 4 साल का जो बंदा है, इसमें रेजिमेंटेशन ऐसे नहीं आती ऑपरेशन की, रेजिमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग साथ में करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग में कई सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। ये जो एस्पिरेटरी कोर है, ये जो लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, एक दिन में नहीं आती। आप एक कच्चा घड़ा ला रहे हो, उसे धीरे धीरे संवारता एक नायक, उसका सबल्टन, फिर हवलदार। मैं ग्राउंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ग्राउंड से देख रहा हूँ। जो आदमी लड़ाई करने जाता है ना, उस समय पता लगता है ऑपरेशन में क्या होता है। आप उन लोगों को खड़ा कीजिए। मैं आज क्यों उनकी वॉइस बन करके अपनी पिटीशन लेके आया हूँ? 2 बातों इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये बोल नहीं सकते। योजना को जो हमारे 2 जनरल हैं, उनको, जनरल रावत और जनरल नरावने, ये सब चीजें सोचने वाली बात है कि जब हटे उसके बाद में ये योजना आई, और योजना आने के बाद इंजीनियर्स के ऑफिसर्स है, हमें कोई वो नहीं है। आप अपनी तरफ से बात कीजिए, बट लेकिन कम से कम ग्राउंड की आप रियलिटी तो ले लीजिए। एक सीक्रेट वोटिंग हो जाएगी ना, अंदर से सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे
कोई वो नहीं करनी, आपके चैनल के माध्यम से मैं खाली यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो यूथ है, जो बच्चा है, 4 साल आप उसका जब यहाँ लोगे ना, उसके बाद बोलोगे जाओ 5 लाख रुपए लो, आज तो उसके अपने है ना, 5 लाख रुपए लो और आगे देख लो क्या होना है। अब वो आएगा 25-26 के आसपास, आप उसको बोलोगे कॉम्पिटिशन तैयार करेगा, उसका एजुकेशन माइंड जो है ना वो ऐसे अट गया, आप 12 की मार्कशीट के साथ भी भेजोगे ना, वो पढ़ाई का उसका एक पढ़ाई की उम्र होती है, एज होती है, आप उस एज से उसको निकालने के बाद बोलोगे कि आप भेज दिया तुम्हें, लाओ 10% दे दिया, 10% भी पूरा परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप वहां पे करिए ना, जहां पे जिन लोगों ने फेल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फेल है, पुलिस सिस्टम फेल है हमारा, सबको मालूम यहाँ है, ऐसी जगह आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, यहाँ से बंदे आप उठाइए, अग्निवीर में डालिए, 100% एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, रिडक्शन की लड़ाई हम जनरल लड़ लेंगे, हमारे जितने सीनियर ऑफिसर लड़ लेंगे, बट इन बंदों को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते मझधार में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ISI को तो ट्रेनिंग कैंप बंद कर देंगे अपने, जितने आपके नक्सलीज हैं वो बंद कर देंगे, बोलेंगे भाई तुम आ जाओ, ये 4 साल का बंदा फ्रस्ट्रेटेड जवान है, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके फैमिली उसकी, उसको पैसे नहीं मिल रहे, इसको बुला लो, हम इसको अच्छी तरीके से हम उसको पैसे दे देंगे, बस बताओ भाई कहाँ पे क्या है। और नहीं, अगर आपके 10% 10 बंदों में से एक बंदा भी अगर निकल गया तो आपका तो नुकसान है ना। दूसरा, गुरखा रेजिमेंट का आपने देख ही लिया, ये पॉइंट मैंने रेस किया था अपने पिटीशन के टाइम कि गुरखा रेजिमेंट का बंदा वहां से ला रहा, आपने उसकी रेजिमेंटेशन तो पूरी ब्रेक कर, और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा करेंगे, इसका असर केवल फाइटिंग फोर्सेस पे पड़ेगा, आर्टिलरी आर्मर एंड इन्फेंट्री जो लड़ाई कर रही है ग्राउंड पे, गन जो होती है आर्टिलरी की उसको समझने के लिए 4 साल नहीं लगते, तो 4 साल में नहीं गन पकड़ लेगा लड़का। दूसरा टैंक, मैं जो बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल लड़ाई की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ये स्कीम जो है एक तरह से केवल अपनी इकोनॉमी सेट करने की वजह से जो इनका नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है पेंशन हटा देना, हमारे बंदों की पेंशन हटा देना धीरे धीरे करके 25 में, अभी 13 लाख से 10 या 11 के आसपास आ गया, अब इसके बाद धीरे धीरे आपने सारी चीजें धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे, और उसको बोलेंगे बहुत बढ़िया, क्योंकि लड़ना आपको नहीं है, 4 साल बाद आप वापस आओगे, अच्छा ठीक है ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, चाइना की लड़ाई में आपने इक्विपमेंट छीन लिए थे हमसे 1962 में, और अब आप मैन पावर छीन रहे हैं हमारी। जब ये टेक्निकलिटीज की जो बात कर रहे हैं ना, जिस दिन ये सैटेलाइट वगैरह बंद हो गई वो फुट सोल्जर जाके करेगा काम, गलवान से अभी हम बाहर नहीं आए, हमारा बॉर्डर 3,500 किलोमीटर पाकिस्तान से नदन साइड, वेस्टर्न नदन ईस्टर्न मिला करके 3,500 वो है, 4 क्लाइमेटिक कंडीशंस है, लड़का नहीं तैयार कर सकते हम 4 साल में, और 4 साल क्यों किया गया है, ताकि उसको सोल्जरी ना मिले, ताकि उसको ग्रेजुएटी ना मिले। आप हर एक चीज को देखिए कितने ढंग से प्लान किया हुआ, कमांडर्स कौन है, आप देखिए हमारी फौज अभी कैसे चेंज हो रही, जो बंदा काम करता है वो ऊपर ही नहीं जाता, जो यूनिट लेवल पे, यहाँ केवल स्टाफ और वो बंदे जो टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, उनकी यूनिट की सर्विस देखिए कितनी, यूनिट में कितना टाइम लगाया उन्होंने, बंदों के साथ कितना टाइम लगाया, आज बंदे इतने ज्यादा लिटिगेशन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम फेल हो चुके हैं, आप ना आप बंदों की बात नहीं सुनते, वजह यही है क्यों फेलियर इतना हो रहा है, क्योंकि लिटिगेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप बात ही नहीं सुनते, सुनवाई बंद कर रखी है, बंदा लिटिगेशन नहीं करेगा तो और क्या करेगा, रिजाइन करो ऐसे कोई भी बंदे, प्रीमेच्योर ले लो, बट फौज को खराब मत करो। जनरल नरावने साहब थे चीफ, जनरल रावत साहब भी थे चीफ, इतनी जल्दी में अभी नया चीफ आया और तुरंत उसके बाद ही उस समय बाद आपने अग्रीमेंट लगा दिया, कौन सा एप्लीकेशन माइंड है भाई, कौन से नीचे के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने तो बोला है कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट चेक करिए, आपको पता लग जाएगा क्या पॉलिसीज वगैरह स्कीम वगैरह ऐसे नहीं बनती, पार्लियामेंट में डिस्कस होना है, मैंने 193 सेक्शन लगाया हुआ है, अग्निवीर का स्टेटस क्या है, इनरोलमेंट कमीशन अपॉइंटमेंट ये सब एक्ट के थ्रू चलते हैं, किसी भले आदमी ने या अंग्रेजों ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ये पार्ट कि ताकि कोई इसके साथ खिलवाड़ ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी ठीक है गवर्नमेंट की, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी एंड यू आर चेंजिंग द एंटायर फैक्टर ऑफ दिस कमीशन अपॉइंटमेंट इनरोलमेंट, तो आपको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए, क्योंकि ओपन डिस्कशन होगा तो जवाब दे भी होगी, वो आपने किया नहीं, आपने स्कीम लगाई और सीधे लगा दिया, ये जो एक्ट में बदलाव कौन लाएगा, जब भी आपको चेंज करते हैं आर्मी एक्ट सेक्शन 193 अल्फा में दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी अमेंडमेंट आपके रूल, क्योंकि आपने पॉलिसी डाल दी, पॉलिसी के साथ अमेंडमेंट भी तो आएगा ना, अगर आप नोटिफिकेशन में चेंजेस करना चाह रहे हैं एनरोलमेंट के, एनरोलमेंट नहीं हो रहा बंदा, इसका क्या स्टेटस है, कल को वॉर में शहीद होता है क्या स्टेटस है, आपने उसको बोला नोटिफाई कर दिया, फिर हमारी ये जो मेन फौज है, जो मेन जो मेरी मेन स्ट्रक्चर है फौज का, ये स्ट्रक्चर में क्या जगह आएगा, अग्निवीर है ना, सोल्जर तो नहीं है ना, ही इज नॉट अ सोल्जर, कोई रैंक नहीं है उसकी, और वो बच्चा
आगे जाकर के आप उसको 100% मैं मेरा तो कॉज का है ही अग्निपथ, दूसरा मुझे यूथ के साथ जो धोखा कर रहे हैं, हम एक बंदे को ट्रेन कर रहे हैं और उसको जाकर के सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% का वो लेना पड़ेगा। अभी जितने हमारे रिटायर्ड है उनको कितना मिल जाता है, जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं उनको कितने लोगों ने नौकरी दे दी, ये सारे डिटेल्स बंदों ने किए हैं। मेरे पास आज की डेट में जो भी कॉल आते हैं और एक्सपीरियंस आता है, मैं अपने साथ साथ उनका भी एक्सपीरियंस उनकी आवाज बनकर शेयर करता हूँ। डेफिनेटली अमित सर, मैं यहाँ पे बस आपसे रुकना चाहूंगा क्योंकि शायद आपने मेरे सारे सवालों के जवाब एक ही में दे दिए हैं। मैं धीरे धीरे इन सारी बातों को और विस्तार में कुछ मैं आपके पास वापस आऊंगा। बात तो सही है, जैसे कि हम मानते हैं और आपने एक स्टेटमेंट यूज किया सीक्रेट वोटिंग का, हाँ उस चीज को मैं खुद मानता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सीक्रेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं। अगर हम ट्रांसपेरेंट, हमें क्या चाहिए ट्रांसपेरेंसी, मैं और मेरा बंदा हमारे दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मेरा ऑफिसर मैन रिलेशनशिप क्या होता है, एक जवान एक भोला होता है, ऑफिसर एक मेंटल साइकोलॉजी से आता है। सबसे ज्यादा कठिन हमारा सिस्टम है ऑफिसर को बनाना, एसएसबी जो है सबसे टफ है, ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि आप मेंटल साइकोलॉजी, लेकिन ये जवान है इनके कोई मेंटल और साइकोलॉजिकल कोई टेस्ट नहीं होता, इनको हमें बनाना पड़ता है अपने तरह और हमें मालूम इनको कैसे मोल्ड करना है। इसी तरह से नीचे के जो अहदेदार होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं, आपको पता है सूबेदार मेजर को जो हम बोलते हैं, हमारे जो ऑफिसर जो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जैसे योगेंद्र साहब बैठे, इनको मालूम है कैसे ऑफिसर की रिस्पेक्ट है। हमारे लेफ्टिनेंट साहब की बात काट दी जाती है, कैप्टन साहब की बात काट दी जाती है, हम अपने सूबेदार मेजर को ज्यादा महत्व देते हैं, क्यों, ये एक्सपीरियंस ग्राउंड सोल्जर और वही यूनिट को चलाते हैं एक्चुअली। तो वो उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल को जब ये बातें होंगी, ये जज्बा जो होगा वो ऐसे नहीं पैदा होगा, धीरे धीरे ये योगेंद्र साहब ने जो अपने गोलियां खाई हैं ये ऐसे नहीं आई है एक दिन में, ये सब गया कैसे है, वो जो जज्बा आता है ना पूरा तिरंगा और अपना देश, ये एक दिन में नहीं आता, ये जज्बा ठहरता है यूनिट के साथ। तो इसको विवेक में एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे एक से कर्नल साहब होंगे जिन्होंने लिटिगेशन इसमें दिया है, आई वोंट लाइक टू डिस्कस विद हिम, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मैं बेवकूफी से नहीं बोला हूं जो बोला हूं, मैं 1971 की लड़ाई लड़ा हूं, सेना मेडल गैलेंट्री हूं, ऑफिसर्स का मैन, आई वाज डीजी मैन पावर प्लानिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, आई हैव हैंडल्ड दिस इश्यू। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये लिटिगेशन में, लेट अस नॉट ट्राई दिस एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो मत करें प्लीज। मैं भी आर्टिलरी का ऑफिसर हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि क्या है, मुझे भी मालूम है सर, अमित आई नो वेरी मच व्हाट यू आर टोल्ड, 60% इज ऑन बंकम, लेट मी टेल यू आई एम यूजिंग अ हार्ड वर्ड, लेट मी टेल यू दिस, एक चीज बता दूं मुझे सर, आई एम नॉट कम हियर टू बी इंसल्टेड लाइक दिस, ये मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हियर इज अ मैन हु हैज सर्व्ड 40 इयर्स इन द आर्मी इंक्लूडिंग अ वॉर एंड आई हैव टेकन पार्ट इन ईच एंड एवरी इंक्लूडिंग जेएनके एंड एवरीवेयर, सो आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेट अस नॉट उसको मालूम है और उसको मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, सीनियर ऑफिसर्स को कुछ नहीं मालूम है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि देयर हैज नेवर बीन अ डेफिशिएंसी अमंग द पीबीओआर, नेवर बीन, आई हैव हैंडल्ड दिस, वी हैड सरप्लस, लेकिन अभी लास्ट टू इयर्स में जब कोरोना के टाइम में विवेक जी प्लीज लिसन लेट मी टेल यू द ट्रुथ, विवेक जी इस अगर आपको इसमें लोगों को बुलाना था पैनलिस्ट, आई विश यू हैड टोल्ड मी कि समबडी इज देयर हु हैज पुट इन अ लिटिगेशन, आई वुड हैव नॉट कम बिकॉज़ ही हैज हिज पीपल टू सपोर्ट, मैं यहाँ उन लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ जो बिल्कुल जिनको सेना के उनको अपना कोई नहीं है, किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी के लिए नहीं लड़ रहे, जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 2.5 लाख की डेफिशिएंसी है, देयर आर फार फ्रॉम ट्रुथ, सर मैंने एसएसबी हैंडल किया है, आई हैंडल द पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, देर आर इश्यूज, बट ये नहीं है 20 आदमी चेंज हो रहे हैं एक साल में 20 आदमी चेंज हो रहे हैं, बाकी बल्टन वही है, 8 से 9 साल के बाद थोड़ा इसमें अफेक्ट आएगा, तब तक भी है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास पूरी टेबल्स बनी हुई है,
तो ऐसा भी होमवर्क रखा है, एक डूम्स डे सिनेरियो मत प्रेजेंट करें प्लीज। डूम्स डे सिनेरियो मत प्रेजेंट करें। ये तीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेट मी टेल यू सीक्रेट वोटिंग का, लेट मी टेल यू दिस, दिस हैज नेवर हैपेंड इन द आर्मी। आर्मी हैज बिलीव्ड इन टॉकिंग टू द पीपल। जब जब जैसे सैनिक सम्मेलन में बॉक्स बनाते हैं, आपने सर कमांड किया, आप तो बहुत सीनियर है, आपको मालूम है हम लोग सैनिक सम्मेलन में कमांडिंग ऑफिसर के पास एक बॉक्स रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट थिंग। और किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैं यहाँ पे आप दोनों से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि हम इसकी गरिमा को बनाए रखते हैं और सबके व्यू को, हम यहाँ पे हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है, हम उसकी उनके सवालों का जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और योगेंद्र सर, मैं आपके व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं कि आपने सेवा की है, आपके साहस और पराक्रम से कोई अछूता नहीं है, तो अभी जो आज के दिन में हमारे देश के युवा है वो कुछ उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, सोच है, तो उसपे उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? योगेंद्र सर। सर मेरी शंकाएं मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए, मेरी सेना के लिए है। मेरी शंकाएं हैं उस मेरे सेक्शन कमांडर के लिए है, उस प्लाटून हवलदार के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए है, उस कंपनी कमांडर के लिए, उस कमांडिंग ऑफिसर के लिए है जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सर मैं जनरल साहब इनसे छोटा ही हूँ और मैंने 25 साल फौज में नौकरी करी है। मैंने देखा है सर, कारगिल युद्ध के दौरान भी जो है फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कोर्स पे होते हैं बंदे, छुट्टी पे होते हैं, कैटेगरी होते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। अब हम सर अग्निवीर के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे जो हमारी स्थायी भर्तियां रोक दी गई, उसके ऊपर नहीं भर्ती बात नहीं करते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी स्थायी जो रिक्रूटमेंट थी वो रोक दी गई और हमारी डिफिशेंसी होने लगी। मॉडल फॉर ब्रॉ जो हमारी फौज का एक ढांचा है, संरचना बनी हुई है, एक छोटा सा सेक्शन होता है सर, उसका एक हवलदार होता है, उसके पास एक निर्धारित बंदों की स्ट्रेंथ होती है और वो सेक्शन जो है इन्फेंट्री का इसलिए निर्धारित संख्या बनाई गई क्योंकि उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक सपोर्ट ग्रुप, एक असाल्ट ग्रुप। और एक बंदा, क्योंकि हमारी जो टैक्टिक्स है वो सबकी अलग अलग टैक्टिक्स है, फौज की हमारी टैक्टिक्स है, अगर एक हथियार एक बंदा फायर करेगा दूसरा एडवांस करेगा, और जब हमारे पास फायर करने वाला बंदा नहीं होगा तो एडवांस कौन करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो रही है। और अगले 4 साल तक सर कोई भी हमारी स्थायी भर्ती नहीं होगी, पिछले 2.5 साल से नहीं हुई है और 4 साल के बाद नहीं हुई। आज हमारी 45,000 अग्निवीर की भर्ती हो रही है, उसमें 4.5 साल के बाद 12,500 बंदे वापस जाएंगे और हर साल सेना से 50,000 लगभग जो है रिटायरमेंट चले जाते हैं। सर कितनी डिफिशेंसी हो जाएगी अगले 10-12 साल के अंदर, हमारी सेना की स्ट्रेंथ कितनी होती है? हम दो मुहानों के ऊपर खड़े हुए हैं, वेस्टर्न साइड भी और ईस्टर्न साइड भी, दो हमारे बड़े दुश्मन हैं। और जब स्ट्रेंथ आधी हो जाए और फिर दो फ्रंट से अगर लड़ना पड़े तो सर किस तरह की हमारी जो है स्ट्रेटेजी होगी? क्या हम टेक्नोलॉजी से ही दुश्मन के साथ जीत जाएंगे? टेक्नोलॉजी हम, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है देश की वो भिन्न भिन्न प्रकार की, कहीं हम -60 डिग्री टेम्परेचर में लड़ते हैं तो कहीं 55 डिग्री टेम्परेचर में लड़ते हैं। रेगिस्तान 55 डिग्री में जलता है, तपता है, तब जाकर के वहां के सैनिक उस वातावरण में भी लड़ते हैं। वो लड़ते इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पलटन का नाम होता है, पलटन का निशान होता है और नमक खाया होता है।
नाम नमक और निशान हमारी सेना का मूल मंत्र है, और ये सब साइकोलॉजी फैक्ट होते हैं। एक हम भी इंसान है, सैनिक है लेकिन फिर भी एक इंसान है। मुझे मालूम है कि मैं अस्थाई हूं। सर जब फायरिंग सामने से होती है तो साहब कई बार अस्थाइयों के भी पैर कांपते हैं। ये तो अस्थाई है, उसको अपनी जान का बचाव का खतरा होगा। मैं अपनी जान को बचा लूं, और मुझे ये कहते हुए कोई जो है सर डर नहीं है, और मुझे फक्र है अपने सेक्शन कमांडर के ऊपर कि वो सेक्शन कमांडर सबसे छोटा कमांडर है। अगर वो लड़ाई के लिए जाता है, अगर वो सेक्शन कमांडर फुटहोल्ड नहीं बना पाता तो उसकी प्लाटून फुटहोल्ड नहीं बना पाती है, उसकी कंपनी फुटहोल्ड नहीं बना पाती है, उसका पलटन का जो है अटैक फेल हो जाता है, और उसी की स्ट्रेंथ को आप आधा कर देना चाहते हैं। ये होगा सर आधा, इस फैक्ट को क्यों नहीं समझ रहे? अब मेरा उदाहरण दिया जाता है कि बोला योगेंद्र 19 साल का था, उसने जो है कारगिल के अंदर युद्ध लड़ा। हाँ मैं लड़ा, युद्ध लड़ा, क्योंकि इसलिए लड़ा मेरी मानसिक जो मेंटेलिटी थी, मेरी पलटन सर सबसे पहले आई, मेरी पलटन, मेरा रेजिमेंट, मेरा साथी। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी पलटन का अगर कोई बंदा शहीद हो गया है, घायल हो गया है, तो सब पलटन उसकी जीवन पर्यंत देखभाल करती है। और वही जो फैक्टर्स उस मन सैनिक के दिल और दिमाग के अंदर घुसते हैं, पलटन की रीति रिवाज परंपराएं एक अनोखिक है, और वो 4 साल के अंदर सिर्फ उसका मेंटल क्या होगा, यार 4 साल के बाद तो मैं चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा, मेरी मेंटल मेरी एनर्जी वहां जाएगी, फिर वो सोचेगा अगले उसके लिए। तो यहां सर कहीं ना कहीं ये हमारी जो सरकार ने जल्दबाजी की है। अगर आप स्थाई वाली भर्तियां चालू रखते और अग्निवीर को एक्स्ट्रा में लेकर के आते, और उस अग्निवीर को 4 साल के बाद हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके अंदर कंपलसरी भर्ती किया जाना चाहिए। आप सर बस एक आश्वासन दिया जाता है कि हम इनको 100% इनरोल कर लेंगे, लेकिन सर जब तक वो वर्दी पहनी है तब तक वो सेंटर गवर्नमेंट का बंदा है, और जब वर्दी उतर जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है, हर स्टेट के अंदर सर कहीं पर 5%, कहीं पर 2%, कहीं पर 10% का एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, और एक इन्फेंट्री वाला जवान जो 10वीं और 12वीं पास है, सर 4 साल वो सिर्फ राइफल चलाएगा, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और सब उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो वो सर कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा सर? मैं सरकार से भी और मैं पूछना चाहता हूं सर, कहां जाएगा? मैं सर 42 साल का हूं, रिटायरमेंट हो गया हूं, आज मैं स्टेट गवर्नमेंट का हूं सर। ऐसे 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 हमारे 35 साल के 32 साल के लड़के जो एनसीओस तक, नायक तक, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के आते हैं, कई बार प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो उनको मजबूरी में 17 साल करके वापस आना पड़ता है। तो सर फिर वो उस बंदे के लिए सर कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसका कहीं पर इनरोल नहीं होता है, सिर्फ एक चीज बचती है उसकी, डीएससी। डीएससी में जाओ, डीएससी में फुल इनरोलमेंट नहीं हो पाता है, फिर उसके पास सर एक इन्फेंट्री वालों के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि सर वो गार्ड की नौकरी करे, गार्ड में जाए। बाकी जो हमारे जो पढ़े लिखे जो टेक्निकली हैं, बंदे हैं हमारे, वो टेक्निकली सर उनके हाथ में हाथ का दस्तकार है, ठीक है, उनके पास नॉलेज है ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाते हैं तो सर, लेकिन इन्फेंट्री वाला कहीं एडजस्टमेंट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आज हम जो इनरोलमेंट की बात अगर बोलते हैं, 45,000 हमारे अग्निवीर में इतने लोगों ने जो है एम्प्लॉयमेंट कर दिया, ये सच बात है सर, कर्नल साहब सही बोल रहे हैं कि सर कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है
कि आज आप एक दिन के लिए एक सरकारी पद भी आप निकालेंगे तो आपको 10,000 फॉर्म आपके मिल जाएंगे। सबके मन में यह है कि एक दिन के लिए तो सरकारी नौकरी मिल रही है। मैंने उन पलों को देखा है सर, मैंने जिया भी है, ठीक है। एक प्लेटून हवलदार किस तरह से, एक सेक्शन कमांडर किस तरह से मुसीबतों का सामना कर रहा है। मैं अभी पिछले 2-3 महीने से यूनिटों का विजिट भी कर रहा हूँ, यूनिटों में भी जा रहा हूँ, कमांडिंग ऑफिसर से भी बात हो रही, जवानों से भी बात हो रही है, क्योंकि 7-8% हर बटालियन के अंदर हमारे जो है कैजुअल्टी पर्सन है, कैटेगरी पर्सन है, जो कि जो है सर किसी फील्ड एरिया के लिए अनफिट है, कोई हैवी ड्यूटी करने के लिए अनफिट है, ठीक है। वो नॉर्मल ड्यूटी कर सकते हैं, फिर लगातार 2.5 साल से पेंशन की जो प्रक्रिया चल रही है, उनके पास अभी सर 7-8 बंदे बच्चे हैं एक सेक्शन के अंदर। अब धीरे धीरे 4 साल के बाद और कितने डीपी हो जाएंगे, तो सर कैसे होगा? इस योजना को अगर हम साइड में लेकर के चलते और स्थायी भर्ती हमारी चलती रहती तो शायद ये देश चेंजर योजना साबित होती और देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आता कि जो सब हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जी, मेरा सर यही है, क्योंकि मैं, मेरे लिए पर्सनल कुछ नहीं है सर, मेरी सेना और मेरे राष्ट्र के लिए ये सब कुछ है। नहीं, आपने आपने बहुत अच्छे से अपनी ग्राउंड रियलिटी और शायद आपकी बात आज के दिन में, मैं ये मानता हूं कि हर वो जवान जो देश में भर्ती हैं या जो भर्ती होना चाहते हैं उनकी मनोदशा आपने बहुत अच्छे से आपके विचारों में रखी है। तो जरूर, और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम हर किसी के विचारों का आदर करते हैं, और ये मुद्दा है ही इसलिए क्योंकि हम उन बेजुबानों की जुबान बनना चाहते हैं जो शायद आज के दिन में मंच पर आकर सवाल नहीं पूछ सकते, या पूछते भी हैं तो उनको उनके मन के मुताबिक जवाब नहीं मिलता। तो जब हम आज के दिन में युवा पीढ़ी जो आज भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता है उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है, हम तो बस उन्हीं सवालों को एक चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर सर, आप सबका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा है, वो काम आएगा हमारे यूथ के लिए है। आपकी हर बात को, उसी आपके हर पहलू को हम उतना ही सीरियसली लेते हैं, चाहे भले उसमें मतभेद हो, कोई बात नहीं है। तो सर चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास तुरंत आता हूं, बस मुझे एक दो मिनट का वक्त दीजिए, मैं बस श्यामराज सर की एक बार उनके भाव समझ लूं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में और उनका क्या विचार है। प्लीज। थैंक यू जय हिंद जनरल साहब, जय हिंद कर्नल साहब, जय हिंद साहब। बचपन में परमवीर चक्र जो सीरियल आता था वो देख के आर्मी में ज्वाइन किया था मैंने, आज महान हस्ती के सामने बैठा हूँ। सैल्यूट सर, मौका ये पहली बार, इतने बड़े बड़े हस्तियों के सामने बैठा हूँ ये पहली बार है। सच में रोंगटे खड़े होता है, देखिए सच में। और रही अग्निवीर के बाद, जनरल साहब ने भी सही बताया, कर्नल साहब ने भी सही बताया, कैप्टन साहब ने भी सही बताया, सबका अपना अपना व्यू रहता ही है। पर हाँ, गवर्नमेंट में थोड़ी सी जल्दी के कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत तो ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन, ये जो ये सब कुछ पहले होके फिर ये इम्प्लीमेंट होने से काफी उनको उसका जो खामियां पता चलना था, और थोड़ा जल्दी कर दिया, बस जल्दी करने की वजह से आज हम बैठे हैं। और इसके, ये जो आर्मी में अग्निवीर लेने से अच्छा उनको यदि लेना ही है तो क्यों हम पुलिस से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्यों हम फायर सर्विस से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं, वहां से धीरे धीरे शुरू करके वो यदि सक्सेस हुआ तो उसको आर्मी में भी लेके आ सकते थे। तो ये मेरा एक ये था, और उसमें मैंने पढ़ा है शहीद जो मैटर हुए हैं और जो होते हैं और जो दिव्यांग बनते हैं उनको भी एक रकम दे के घर भेज देते हैं, और आप सबको पता पैसा एक ऐसा चीज है, हाथ में आते ही डिमांड भी बढ़ जाता है, और इतना क्योंकि 40 लाख 50 लाख इतना छोटी रकम नहीं है, जब इतना बड़ी अमाउंट आ गया अपने हाथ में तो घर बनाओ, ये करो वो करो, पैसे खत्म, वो जिएगा कैसे फिर आगे। पेंशन, मैं खुद अभी मेरे वाइफ लेफ्टिनेंट कर्नल है मिलिट्री ऑफ नर्सिंग सर्विस में, और मैं पेंशनर हूँ, वार इंजरी पेंशनर हूँ, फिर भी महीने के आखिरी आते आते खुश हो जाता हूँ क्योंकि
अपना वो एक अमाउंट मिल जाता है। एक यूरो बैग खरीदने के लिए 152 रुपीस देना पड़ता है। आर्मी हॉस्पिटल में अच्छा क्वालिटी का भी नहीं मिलता, सच बता रहा हूँ, बाहर से मुझे खरीदना पड़ता है 152 रुपीस। जब एक दिव्यांग हो गया अग्निवीर, होना नहीं चाहिए, वो एक रकम लेके घर पे आएगा, वो खर्च हो जाएगा, वो जिंदगी कैसे बिता देगा। काफी है, इस कंडीशन में जीना इतना आसान नहीं है। तो अग्निवीर का मुझे वो एक कमी, खूबिया भी है देश के इसके लिए अच्छा है, बट पहले बाकी फोर्स में, पुलिस एयरफोर्स जो भी यूनिफॉर्म पर्सन है उसमें लाने के बाद फिर इसमें इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा अच्छा रहना था। ये मेरी छोटी सुझाव है, प्लीज। जरूर जरूर श्यामराज सर, और आपकी सेवा की पराकाष्ठा अलग है और पूरा देश उसके लिए आपका अभिनंदन करता है, तो आप उनमें से एक हैं। चतुर्वेदी सर, मैं ऑफ कोर्स आपके तजुर्बे से और कुछ बातें जानना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप हम सबको समझाएं, हमें ये बता पाएं कि जैसे कि वही मैं पूछ रहा हूं कि जैसे कि क्योंकि ट्रेनिंग का जो वक्त है वो बहुत छोटा सा है इसमें, तो क्या हम अग्निवीरों के साथ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार रहेंगे? मैं आपके व्यू पॉइंट इस पर जानना चाहता हूँ। विवेक जी, इट्स ग्रेट प्लेजर टू मीट श्यामराज कमांडो एंड पीवीसी योगेंद्र सिंह जी एंड अमित, बट अबाउट ट्रेनिंग जो आपने सवाल किया है, इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग प्लान है जो कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसमें फील्ड क्राफ्ट, डब्ल्यूटी, ड्रिल, बेसिक लेवल की जो टैक्टिक्स, सेक्शन लेवल की टैक्टिक्स वगैरह पढ़ाई जाएगी, पीटी ड्रिल, ये सब चीजें कराई जाएंगी, और वो एक सोल्जर बनने के लिए एडिक्वेट है। मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में जितना ट्रेनिंग होता है, विश्व में सबसे ज्यादा टाइम इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। ये मैं आपको बड़े गर्व भी कह लीजिए और बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूं। इसराइल में 4.5 महीने में ऑफिसर बना लेते हैं, हमारे यहाँ मिनिमम 1 ईयर है, और अदरवाइज 3 to 4 years के सर्विस के बाद हम लोग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो वी आर ए वेरी हाईली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये 6 महीने की ट्रेनिंग, टेक्निकल आर्म्स हुए, बटालियन सपोर्ट वेपन्स हुए, इन्फेंट्री बटालियंस के यूवीज की ट्रेनिंग हुई, इंजीनियर्स के ब्रिजिंग की, और बाकी जो ट्रेनिंग है इसी तरह से एयर डिफेंस की ट्रेनिंग है, आर्मर्ड कोर की, आर्टिलरी के गन्स फायर करने, कमांड पोस्ट वगैरह, इन सब के लिए आपको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, विच मे बी एनीथिंग अराउंड 6 months, 3 to 6 months वो यूनिट में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सीओस के लिए चुनौती है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा इसमें चुनौतियां हैं। इसके अलावा जो HMTs हैं, गन फिटर्स हैं, जो स्पेशलाइज हैं EME के, जिनकी आज 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, बट लेट मी टेल यू, आपको विश्वास नहीं होगा कि उसमें जब सिलेबस लोगों ने देखा तो 2.5 महीने उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए दिया गया था। तो इस तरह की चीज जब उसमें काफी गुंजाइश है उस 2.5 साल की ट्रेनिंग को कम करने की, और वो करके उसमें भी थोड़ा बहुत, और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है ये 4 साल सफिशिएंट नहीं हो, थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर के बाद जब फीडबैक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, आर्म फोर्सेज इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इसमें ये नहीं है कि एक बार पत्थर की लकीर हो गई तो उसको बदला नहीं जा सकता। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्जाम्पल दिया, 5 ईयर्स के से आज 10+4 है, वुमेन एंट्री का आपको एग्जाम्पल दिया कि जैग और AEC में शुरुआत की थी, आज सब जगह है एक्सेप्ट इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर एंड मैक इन्फेंट्री, बाकी हर जगह आज वुमेन है। जैसे जैसे हमको इसमें भी सेकेंड या थर्ड ईयर में जब ये लोग फीडबैक मिलेगा, हो सकता है ये 4 साल को 7 साल कर दें, 6 साल कर दें, जो मैंने रिकमेंड किया है वो 7 ईयर्स किया है, और 7 ईयर्स हम लोग, जब मैंने फौज ज्वाइन की थी 1971 में, ये था 7 ईयर्स ऑफ कलर सर्विस वाज इन प्रिवलेंट, मतलब हमारी फौज में लोग करते थे और चले जाते थे, और उस वक्त ऐसा नहीं था कि इतने परसेंटेज भेजे जाएंगे, उसमें सीओ के ऊपर था और जवान का विलिंगनेस, दो चीजें होती थी कि सीओ कह देता था कि नहीं नहीं, ही इज फिट फॉर अनदर एक्सटेंशन ऑफ 8 ईयर्स, वो उसको एक्सटेंशन मिल जाता था, नहीं तो वो 7 साल सर्विस के बाद चला जाता। ये सब चीजें पहले हमारी इंडियन आर्मी में ही, और 71 वॉर के टाइम की बात मैं कर रहा हूं, ये नहीं है कि इसके अलावा जो
एक ऐसा कुछ मुझे लगा कि लोग कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी इस से, वह बिल्कुल सही नहीं है। अगर 40 अगर पलटन में एक साल में 40 रिटायरमेंट होते हैं तो 40 की जगह 40 अग्निवीर आएंगे, उस कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, जो आज है वही चलती रहेगी। इसमें आज अगर सेक्शन में 10 हैं, 10 की जगह 8 या 9 प्रेजेंट रहते हैं, 8 के करीब अगर वो हैं तो वो आगे भी 8 ही रहेंगे। और ये भी मैं एक चीज बता दूं कि एकदम चेंज नहीं होने वाला, 40 आज आएंगे, 40 अगले साल आएंगे, 40 अगले साल, 800 की पलटन होती है। और मैंने पूरा ये टेबल्स मेरे पास पूरी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सब टेबल्स मैंने बनाई थी और आई हैड ए लॉन्ग डिस्कशन इसके बाद, ऐसा नहीं है एक, और इट टेक्स 12-13 ईयर, 11th ईयर के बाद कम से कम 50% अग्निवीर होंगे और 50% जो पुराने सोल्जर्स होंगे। और ये चुनौती है जो योगेंद्र साहब कह रहे थे नाम नमक और निशान के बारे में, इट्स अ चुनौती, वी विल फाइंड वेज एंड मीन्स। एक तो यही है कि 4-7 साल कर दें, दैट इज रिजॉल्व्स क्वाइट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बाकी सीओस को विल हैव टू गेट इन्वॉल्व, सीओस के लिए ये बहुत बड़ी, पलटनों के लिए ये बहुत बड़ी, जूनियर लीडर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जिसने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और वो हमेशा सफल हुआ है। इसके अलावा जो बेसिकली पॉइंट्स हैं, रिहैबिलिटेशन का पॉइंट्स है, रिहैबिलिटेशन सबने बात की, जो अभी तक देखा गया है कि जो अनाउंसमेंट हुए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय, हमने ये सब बोला है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लोगों को जाने के लिए हमने, एमईएस में, डीआरडीओ में, बॉर्डर रोड्स, बेस वर्कशॉप, नेवल डॉकयार्ड, टेक्निकल नॉट टेक्निकल सिविलियंस इन द आर्म फोर्सेस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सपोर्ट, और जो पीटी इंस्ट्रक्टर्स हैं दे विल ऑल बी, मेट्रोज में, आरपीएफ में, स्टेट पुलिस में, स्टेट बाकी भी जैसे लेखपाल वगैरह की। आपको मैं बता दूं, मैं राजस्थान और बिहार में जो उनके पब्लिक सर्विस कमीशन है एक्सपर्ट के तौर पे जाता हूं और मुझे इतनी खुशी है, बिहार में तो इतना नहीं, राजस्थान में गुड अबाउट 20-25% ऑफ आर जवान, हमारे एनसीओस जो रिटायरमेंट लेकर आते हैं, दे आर गेटिंग सिलेक्टेड एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। ये नहीं है कि 21 साल 17 साल पे आएगा, 21.5 साल और 25 साल के बीच में वो रोड पे होगा, ये नहीं है। ये वो जज्बा पैदा करेंगे जो 4 साल की सर्विस फौज में करेंगे, उससे एक अलग उनमें एक ओजस आएगा, एक अलग लाइटनिंग आएगी, एक अलग डिसिप्लिन का आएगा। ये नहीं है कि ये दे विल बी ऑन द रोड्स, आई डोंट थिंक सो। शॉर्ट सर्विस कमीशन सही है। और मैं यहाँ पे ये कि पहले जॉब सिक्योरिटी की जो गारंटी थी, अब वहां पर एक सवाल तो है, सवाल जरूरी है, नहीं सवाल है, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That is what I said. Rehabilitation is the central government and the state government दोनों की responsibility है और उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें pressure डालना है। लेकिन उसकी वजह से हमने armed forces में एज ग्रुप कारगिल रिव्यू कमेटी की, जिसमें योगेंद्र सिंह खुद अपने जानते हैं, इन्होंने तो उस वहां पे लड़ाई लड़ी है, गोली खाई है, उसकी एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन थी कि वी नीड अ यंगर एंड फिटर आर्मी इन केस ऑफ सीओज एंड ब्रिगेड कमांडर्स। वी हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट डाउन, सीओ पहले 21 साल का सीओ होता था, 16 साल का सीओ होता है, 16 साल सर्विस में ही बिकम्स अ सीओ। ब्रिगेड कमांडर मेरे टाइम में हम लोग 31 साल में ब्रिगेडियर बने थे, आज 26 साल में और 25 साल में ब्रिगेडियर बन रहे हैं। तो दैट इज ऑलरेडी हैपेंड इन केस ऑफ जवान्स एंड जीसीओस, इट विल नाउ हैपन, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। बट मैं ये नहीं कहूंगा एवरीथिंग इज टिकटी बुगू और सब कुछ बहुत अच्छा है, वी हैव चैलेंजेस अहेड ऑफ अस, वी हैव टू ओवरकम दोस चैलेंजेस एंड वी हैव टू इंश्योर, हम सब ने सोचना है कि और क्या क्या प्रेशर पॉइंट हमने सरकार के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बनाने हैं कि हमारे जवानों को, मैंने जो एक सजेशन पहले दिया था कि लेट देम बी रिक्रूटेड ऑल फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी उनका रिक्रूट करे लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए करे, उसके बाद वो ट्रेनिंग आर्मी उसमें एस्टेब्लिशमेंट में करें और आर्मी की 4 साल से ट्रेनिंग करने के बाद वो अपनी जहां पे वो सेलेक्ट हुए हैं वहां पे चले जाएं। दैट इज वन रिकमेंडेशन।
We can always pressurize on these type of things. We can put pressure on this ki railway mein, RPF mein, state police mein, DRDO mein, ordnance factories mein, MES mein, ye jo naval dockyards hain, in sab jagah, Kendriya Vidyalaya mein, Navodaya Vidyalaya mein, in sab jagah hamare fauji hone chahiye. It will bring in better discipline, more honesty, more integrity. So that is what is, these are recommendations. Let us think on those things. अब इसको हम कब तक criticize करते रहेंगे? अब हमको positively आगे की तरफ सोचना है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, चार साल जो फौज की नौकरी करके जाएगा, उसको हम सही तौर पे उसको एक अच्छी गर्मामयी उसको आगे का एक करियर दें. That is our, that should be our interest. And that should be where we are laying our total. पूरी लड़ाई जो आज के दिन में देश का युवा लड़ रहा है, शायद इसी चीज के लिए ही है. तो बात की बातें बिल्कुल सही है कि यस, जगह है उनके लिए, बस उसकी श्योरिटी और गारंटी पे हम अभी तक क्लियर नहीं है. तो अमित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस अग्निपथ स्कीम की वजह से क्या होगा? इम्पैक्ट जोगिंदर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया. किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, जो इन्होंने बताया है सारी चीजें ले आए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग. एक बात मैं स्थानीय जन साहब ने बोली थी तो उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ. हमें चुनौती क्यों करें, हमें क्यों चैलेंज? दिस इज अ चैलेंज, यस दिस इज अ चैलेंज, बट वाई वी आर गिविंग दिस चैलेंज? ऐसा क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बाकी सब बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्थिक वाला कोई भी वो नहीं है, हमने तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाए. अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन लाए तो इसका चैलेंज, फिर वाई चैलेंज? हैव वी फेल्ड यू? वी हैव नॉट फेल्ड यू. तो चैलेंज किस लिए? चैलेंज किस लिए भाई? क्यों हमें जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है इस चैलेंज में आने के लिए? पहली चीज. दूसरी जो रही बात ये कि ऐसा हो जाएगा, दस बंदे इधर सीएपीएफ में, बंदे नव विद्यालय में, बंदे कई जगह सारी जगह चले जाएंगे, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल. अगर इतना परफेक्ट था इस स्कीम को लाना, तो जैसा योगेंद्र साहब ने बोला, तो सारा होमवर्क कर लेते पहले. ये सारी चीजें एक साथ आती, हमें परेशानी नहीं थी, यूथ को भी परेशानी नहीं थी. आप जैसा अभी जनरल साहब ने जो रिकमेंडेशन दिया है, दिस शुड हैव बीन इंक्लूजन इन द स्कीम, तो बंदों को भी परेशानी नहीं होती, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी सही रहती. You can't put a person 4 year old with a trained person outside the मतलब बाहर आप निकाल दो उसे, उस बंदे को, और चार साल के बाद ट्रेंड बंदा आप ऐसे छोड़ दो. अब रही बात सिलेक्शन की, हर जगह एनसीओ सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं. मुझे सिलेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे बाकी के जो रिजेक्टेड बंदे हैं उनसे मतलब है. आपने बोला राजस्थान में पूरे एनसीओ सिलेक्ट होते हैं, हर स्टेट में एनसीओ सिलेक्ट होते हैं, सिपाही सिलेक्ट होते हैं. मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, रिजेक्शन की बात कर रहा हूं. अभी तक इसका कोई परमानेंसी नहीं आई, इट्स जस्ट अ सिचुएशन, हाइपोथेटिकली आप बोल रहे हैं. बट अभी आप ग्राउंड में, आप अगर लेटर पूछे, नोटिफिकेशन पूछे, देयर विल बी नो नोटिफिकेशन बाय द स्टेट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट यस आफ्टर दिस दीज आर द पीपल वी आर गोइंग टू टेक इट 100%. कुछ नोटिफिकेशन नहीं. नाउ कमिंग टू शॉर्ट सर्विस और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट सर्विस वाली और लॉन्ग टर्म में पेंशन का सबसे पहला मेन मुद्दा क्या है जो हमें समझ में आता है एज ए सोल्जर, क्या किसी को भी, इसका मेन मुद्दा है पेंशन खत्म कर दो. 50% अग्निवीर, 50% सोल्जर, दैट मीन 50% पेंशन जो है खत्म. तो एक आपका मेन, मैं समझ सकता हूँ मोटिव है, जो गवर्नमेंट मानती नहीं है, जो कोई भी नहीं मानता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसा डिफेंस के बजट को हम लेके नहीं करते. आप कोई भी चीज अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म में अभी आज के डेट में मैं ऑफिसर्स की बात नहीं करूंगा, दे आर क्वालिफाइड, दे कैन बी अकोमोडेटेड एनीवेयर, बट फॉर अ जवान जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कुछ, वो गार्ड के सिवा और कौन सी ड्यूटी देंगे? एक पॉलिटिकल लीडर भी यही बोल रहे थे कि हम गार्ड दिला देंगे, बाकी कंपनीज भी गार्ड, क्यों हम उसको उन्नति वहां पर रोक दें उसकी? क्या हर एक बंदे को आगे बढ़ने का वो नहीं है? क्या आप चाहते हो हाई स्कूल का बंदा बाहर आके बिना एजुकेशन के केवल यही का टास्क करता रहेगा? क्यों उसका आप उसको वेलफेयर क्या कर रहे हैं? फिर आप ऊपर कैसे जाएगा? मतलब मैंने चार साल अग्निवीर कर लिया, मेरी पढ़ाई भी चली गई, मेरे पास यही है, कोई जाएगा नौकरी मांगने तो नौकरी ठीक है हम तुम्हें देंगे, स्कीम में बोला हुआ है बिल्कुल देंगे. कौन सी नौकरी? यहाँ पे लग जाओ पियान की, पानी पिलाने के लिए लग जाओ, गार्ड लग जाओ, यही तो नौकरी दोगे ना? मेरा मकसद आप समझिए, फौज में हम उसको ऊपर उठाते हैं, उसका पे स्केल भी बढ़ता है,
तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वो ये है डिफरेंस जो होगा। मोटिवेशन की बात, बॉस की मानसिकता बिल्कुल जनरल साहब के साथ होगा, बॉस की मानसिकता चाहे जो हो, हमारे बीच में भी डिफरेंसेस होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू आर्मी, व्हेन इट कम्स टू नेशन, वी विल बी टुगेदर। इट इज समथिंग लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग दोज हु हैव हैड फेथ ऑन मी। ये पॉइंट लाना जरूरी है, बंद कमरे में बैठ के हम ये नहीं डिसाइड कर सकते, वी हैव टू बी ऑन ग्राउंड। हम मना नहीं करते, आप साहब भी वही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि भाई एक्सपेरिमेंट कर लेते एक बार, चार साल में इतना ज्यादा बोझ मत डालो किसी के ऊपर कि वो आप उसको तोड़ दो, और हम उसको बोले चैलेंज है, वी शुड एक्सेप्ट इट। चैलेंज तब एक्सेप्ट करेंगे गवर्नमेंट बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें ऐसे चलना है, वो बात अलग है। तो मैं अपनी पिटीशन सबसे पहले विड्रॉ करूंगा, क्योंकि तब राष्ट्र की बात आती है। जब राष्ट्र में अगर इकोनॉमिक हमारी वो हो रही है और तब राष्ट्र बना रहा है ऐसा चीज, मैं सबसे पहले अपनी पिटीशन विड्रॉ करूंगा। मैं क्या सारे देश के बंदे ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म है वो। लेकिन आप एक मानसिकता के साथ में कि हम सब सही चल रहा है, जस्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हिडन स्कीम जो आपने लगा रखी है, जैसे कंपनीज लगाती हैं, वो ना करिए। बंदों के साथ में विश्वासघात मत कीजिए, और बाद में आप उसको गार्ड ड्यूटी के लिए ना छोड़िए। मेरा काम है वो बंदा योगेंद्र साहब कैप्टन तक पहुंच गया, बाकी बंदे तरक्की तो होती है ना हर जगह, यहाँ कहाँ तरक्की करेगा वो? कौन सी ऐसी नौकरी होगी जो तरक्की करेगा? आप बनाइए परफॉर्मा, पूरा ढंग से बनाइए, कोई जल्दबाजी, वही जल्दबाजी की बात हो रही, जल्दबाजी में स्कीम कर, आप नीचे से तो लीजिए ना, व्यूज तो लीजिए। मेरा सीक्रेट वोटिंग का मतलब यही था कहने का, एक बक्सा होता है कमांडिंग ऑफिसर के दरवाजे के सामने, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो ये बक्से में आप डलवाइए जवान के चीजें, यस और नो रीजन, आप एक एक पन्ना डलवाइए और कोई निष्पक्ष आदमी देख ले, क्यों नहीं, हमने देखते हैं हर जगह सैनिक सम्मेलन में बंदा पूरी चीज कमांडिंग ऑफिसर को नहीं बता पाता, क्योंकि डर होता है उसको, उसका सीनियर कहीं उसको गड़बड़ ना कर दे। हर आदमी का ये मानसिक एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तभी एक छुपा हुआ रखते हैं ताकि सुबेदार मेजर पढ़ ले उसे, और एक पूरी टीम होती है, सबको मालूम है यूनिट में कैसे चलता है, फिर हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है, तब हम सही करते हैं। तो किसी की आवाज नहीं है उसका गलत फायदा ना उठाइए, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच टू अस। इसी चीज जो लीगल मैंने बताई वो इलीगल है 193। पार्लियामेंट में डिस्कशन करने से क्या घबराहट है? हमारा देश है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, डिस्कशन करने से क्या नुकसान है? क्या नुकसान है डिस्कशन करने? लेट एवरीबडी कम टुगेदर, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी, इट्स नॉट एन एडमिनिस्ट्रेशन विच यू विल गिव अ गवर्नमेंट का स्कीम एंड से दैट कि चलेगा। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वो गोरखा रेजिमेंट के चार साल के बंदे अगर आते हैं और यहाँ वहां जाते हैं, तो चाइना के लिए आप एक ओपन डोर खोल रहे हो कि ओके ठीक है, वी विल एम्प्लॉय यू, अभी नाउ दे वेकअप कि हाँ वेकन अप, अभी ये हो गया, हाँ ये इसको नहीं कर सकते। ये ऐसी सुविधाएं आप यहाँ कर रहे हैं ना, बिहार से जब बिहार रेजिमेंट के नक्सल वाले एरिया से जो बेचारे बंदे आते हैं, वो कितनी आराम से मैनिपुलेट होंगे, ये सब चीजें सोची समझी उसके। मैं किसी भी स्कीम के ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके, नहीं ठीक है आपकी स्कीम, आप क्या चाहते हैं वो देख, लेकिन उस चीज को मंशा को सामने रखिए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन खत्म कर देनी है जवानों की, आधे पूरी पेंशन में रखना है, तो आप बोलिए इस चीज को और उसके लिए रीजन दीजिए। अपनी फेल्ड इकोनॉमी को फौजियों के ऊपर मत ला दी, सबको मालूम है क्या हो रहा है। और हम लोग केवल फौज से सीमित नहीं है, रिटायरमेंट के बाद में हम उसको फौज को दूसरे तरीके से देखते हैं। आवाज बन के वेटरन्स ही एक ऐसे आदमी है जो इनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब का एक और भी, आप चार पांच लोगों को और बुलाते, जनरल भाटिया, जनरल अपने बख्शी, आपको और चीजें भी मिलती। तो मैं ये नहीं कहता रैंक की जरूरत नहीं है सर की, अपनी सर्विस है मेरी, That's what I'm saying. हमारी अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना व्यू है, कई सारे ऑफिसर हैं, कई सारे सीनियर ऑफिसर हैं साथ में, आर्मी कमांडर सर, एक मिनट लेट मी सर आप बोलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कई सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, प्रीवियस वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, दे आर अगेंस्ट इट। तो क्या दे आर दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस? उनकी 40 साल और 45 साल उन्होंने कुछ सर्विस नहीं की, वैसे ही बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं। मेरा कहने का केवल एक और सबसे बड़ी चीज, अगर गवर्नमेंट एक चीज कर ले, नहीं सुनिए विवेक जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर गवर्नमेंट ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यहाँ पे जब एक जगह लेवल पे आ जाते हैं, इनका अगर आप आगे का अपॉइंटमेंट बंद करा देना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो प्री आफ्टर रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार पार्लियामेंटली क्या कई लीडर्स ने बोला था, जेटली साहब जैसे लोगों ने, कि कभी भी किसी को जो सीनियर अथॉरिटी पे रिटायर हुआ है उसको कोई ऐसा अपॉइंटमेंट ना दिखाई आज, फिर बाद में वो एप्लीकेबल फॉर एवरीवन सर, आप सही है, आप ईमानदार है सर, आई हैव रेस्पेक्ट, बट एवरीबॉडी कैन, पीपल कैन बी मैनेज। विवेक जी मैं जरा एक चीज बता दूं, पोस्ट रिटायरमेंट
पोस्ट रिटायरमेंट आप पूरे देख लीजिए, पोस्ट रिकॉर्ड में आई कैन काउंट वन ऑर्ड में आई हैव गॉट इट। नोबडी एक्सेप्ट द आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस क्रिमिनल के अलावा, दिस इज द एस्पर्शन ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द सीनियर ऑफिसर, दैट इज इनकरेक्ट। आपको नाम बताओ कौन कौन कहाँ पे है सर, कौन कौन आपकी गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट पे है सर, आप चेक कर लीजिए सर। मुझे जिनको आपने अलग लगा रखा है आप चेक कीजिए लिस्ट की बात मत करो, मैं आपसे आर्म फोर्सेस नहीं है, आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, आर्म फोर्सेस के जनरल्स में। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए हर कोई अगर आज के दिन में किसी ओहदे पर है तो अपनी कॉम्पिटेंसी और क्रेडिबिलिटी की वजह से है, तो हम और हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम उस दिशा में नहीं जाना चाहेंगे। हमारे साथ एक एस्पायरेंट है, एक देश का युवा है जो आज के दिन में भारतीय सेना में भर्ती होकर सच में देश की सेवा करना चाहते हैं और उसके मन में कुछ सवाल है, तो मैं उसके सवाल को लेना चाहूंगा। उज्ज्वल, अपना सवाल किससे पूछना पसंद करेंगे? जय हिंद सर, सर योगेंद्र सर। सर मेरा सवाल ये है कि सर अग्निपथ स्कीम लाने का सर मेन मकसद क्या था? सर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये फिट हो गया कि चार साल बाद तो हमें निकलना ही है सर, सर हमारा मोटिवेशन खत्म हो गया सर पूरा। सर एनसीसी तीन साल का, जो सर तीन साल का कर रहे हैं उन्हें फिर चार साल की नौकरी मिलेगी, सर वो कहाँ जाएंगे, वो क्या सोचेंगे सर? आप एनसीसी कैडेट हैं क्या आपने कहा? नो सर, सर आर्मी स्टूडेंट्स हैं सर, लेकिन एनसीसी मेरे भाई हैं, उन्होंने बताया कि तीन साल की एनसीसी है, तो हम चार साल की नौकरी करके क्या करेंगे सर? और सर चार साल बाद जाएंगे कहाँ? हमारे मन में सर ये मोटिवेशन खत्म हो गया सर कि चार साल बाद करेंगे क्या सर, अगर हमें पुलिस में या फिर ट्वेल्थ पास किया है? यस सर, सर टेंथ पास। चतुर्वेदी सर, मैं चाहता हूँ योगेंद्र सर इसका जवाब दें, बच्चे का सवाल। हाँ लीजिए। ओके, टेंथ पास किया है, आप अभी अग्निवीर में जाना चाहते हैं? यस सर। तो कोई भी स्कीम राष्ट्र की भलाई के लिए होती है, इसमें कोई नो डाउट, ठीक है। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है, आप ये सोच करके भर्ती मत हो कि मैं चार साल के लिए भर्ती हो रहा हूँ, आप इस तरह से जो है अपने आप को सक्षम बनाओ कि मैं परमानेंट ही जाऊं। बाय दिवा अगर आप नहीं आते हैं, नहीं आपने जो है आप ज्वाइन नहीं होते हैं, तो आप एक कम से कम सोल्जर तो हैं, आपको फौज कुछ ना कुछ ऐसा हुनर जरूर देगी, सरकार आपको कुछ दे या ना दे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फौज आपको एक हुनर देगी, उस हुनर के आधार के ऊपर आप अपने जीवन को जी सकते हैं। तो फौज के हुनर को, फौज के उस जो ज्ञान को चार साल में जरूर सीखना, और आप अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना, अकेला महसूस मत करना, आपका जो ज्ञान है आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और आपके अंदर वो क्षमता भी हो जाएगी चार साल के अंदर कि आप अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो सकते हो, अगर आप लगन के साथ, आप धैर्य के साथ, आप ईमानदारी के साथ, आप वफादारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और वहां पर चेष्टा करेंगे। जी सर, जी सर। उज्ज्वल, हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बस वही है कि चार साल के लिए परमानेंट का उद्देश्य लेकर फौज में जाइए, और यस आपके अंदर एक कोर कॉम्पिटेंसी जो फौज आपके अंदर निर्मित करेगी वो आपको आगे बढ़ने में, आगे ले जाने में बहुत ज्यादा सहायक होगी। योगेंद्र सर, और हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। श्यामराज सर, आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि फौज की परिभाषा ही, चाहे वो कोई भी सेना हो, ये साहस, पराकाष्ठा, देशभक्ति है, तो जो कि इसका बुनियाद है आज के दिन में भारतीय सेना का, तो ये जो बुनियाद है आपको क्या लगता है कि अग्निपथ स्कीम से इस बुनियाद पे कितना असर पड़ेगा? Yes, please. Actually, बार-बार mute हो रहा था।
देखिए उससे पहले मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देना है। ये जो अग्निवीर अग्निपथ ये अभी का स्कीम है, बट इससे पहले ही शॉर्ट सर्विस कमीशन वो पहले से ही शुरू है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा किसी ने वो हाईलाइट नहीं किया था। वो भी सेम यही है ना, क्योंकि मैंने वाइफ से बात किया था, मेरे वाइफ से, तो वो अभी यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है एमएनएस में, और उनका देखिए 6-7 कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज इंडिया में आर्मी के, तो वहां पर एक बैच 30 या 32 लोग होते हैं वहां पर जो पास आउट होते हैं, और उसमें सिर्फ 50% लोगों को ही परमानेंट कमीशन देते हैं, बाकी 50% शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ये जो अग्निवीर की जैसा ही वही हो गया ना, फिर वहां पर वापस इंटरव्यू, फिर वहां पर पास हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर एक बॉन्ड तक सर्विस करो फिर घर चल, क्या फायदा है फिर बताइए। अग्निवीर में भी वही होने वाला है, 4 साल तक करो सर्विस, जो कर्नल अमित साहब ने सही बताया था, जो अच्छी से, क्योंकि हर प्रोफेशन में यही है चमचागिरी, वहां पर जो असली जो वीर है उसको नहीं मिलेगा, वो ज्यादातर वही जो बाकी जो उनको ही आगे फॉरवर्ड करेंगे, फायदा क्या है फिर। अग्निवीर का यही एक मुझे खामियां लग रहा है। और आपके लिए और सवाल आया है शिवराज सर कि आप कमांडो थे अग्निवीर कमांडो की जर्नी कितने तरीके से संभव है, क्योंकि ये सिर्फ 10 साल की नौकरी है, बहुत छोटा सा ट्रेनिंग है, तो कमांडो तक का जर्नी ये मुश्किल है, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग मैंने किया है और यहाँ पर बाकी सबने उससे भी टफ ट्रेनिंग किए होंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन हर एक ऑपरेशन एक्सपीरियंस है, वो एक से जुड़ते हुए वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उतना उसको रहना ही पड़ेगा। कमांडो ट्रेनिंग जब वो 3 महीने करता है गन्ने की रस निकालने के जैसा, और आखिर वो फिल्टर करके निचोड़ के फिर आता है वो, तो ये जो 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद I think something is missing. चतुर्वेदी सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी डेटाबेस बताता है जिसकी बहुत सारा अगर देख लें कि डेफिशिएंसी शॉर्टेज है आज के दिन में भारतीय सेना में, अधिकारियों की भी और उससे ज्यादा जवानों की भी, ऑलरेडी पिछले 2.5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, फिर अभी कम नंबर्स के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है अग्निवीर के थ्रू, तो ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए कितना घातक है? डेफिशिएंसीज जो आप बता रहे हैं वाकई में दे हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बट फॉर्चुनेटली जो इस दौरान सिवाय कुछ समय को छोड़ के बाकी समय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कंटिन्यूड रही, ऑफिसर्स ट्रेनिंग में कोई मतलब जो कहूँ कोई बंद नहीं हुई कभी भी, और जवानों की जरूर रिक्रूटमेंट बंद हुआ और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी बहुत कम रिक्रूट्स रह गए थे, और इसलिए तकरीबन 1.5 साल का मैं कहूँगा उस दौरान नॉर्मली 60,000 के करीब एक साल में जवानों की हमारी वेस्टेज है, और उतने ही हम भर्ती करते थे, समटाइम्स इट यूज टू गो अप टू 70-78 ऑल्सो, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सिचुएशंस लाइक लड़ाई हो गई या कुछ हो गया उस दौरान पे ज्यादा पड़ जाता, वैसे नॉर्मल 60-65,000 से हमारा उतना ही वेस्टेज है उतनी भर्ती करते थे। अब इन्होंने इस बार 40,000 लिया है, द रीजन मे बी बिकॉज उस वक्त जब ये डिसीजन लिया गया उस वक्त कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, दे मस्ट बी वॉन्टिंग इट, नेक्स्ट ईयर आई हैव नो डाउट इट विल गो अप टू 60,000, सो जो पुरानी और मे बी इवन 80,000, और 80,000 के बियॉन्ड अगर हम करेंगे तो हमें अपने रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने पड़ेंगे, कैपेसिटी सेंटर्स की बढ़ानी पड़ेगी सारे, क्योंकि उनकी सबकी
कैपेसिटी है, इतने इंस्ट्रक्टर्स हैं, जब हमको ज्यादा करेंगे तो इंस्ट्रक्टर्स को अटैच करना पड़ेगा, वहां पे एडिशनल कुछ अकोमोडेशन वगैरह बनानी पड़ेगी, या अगर है कैपेसिटी तो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ सेंटर्स में है। तो इस सब के लिए हमको अब अगले साल से जरूर तैयार रहना पड़ेगा। आई हैव नो डाउट कि ये 40,000 वैकेंसीज जरूर अगले साल बढ़ेंगी। कुछ जो मैंने सुना है, इट इज ऑफ द रिकॉर्ड, आई डोंट वांट टू कोट, देयर इज लाइकली टू बी सम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, और उसमें हो सकता है कोई कुछ आगे पीछे हो हमारी फौज की स्ट्रेंथ, और उसके लिए भी वो हो सकता है वेट कर रहे हो। देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस पेंडिंग। राष्ट्रीय राइफल जो थी, जो हमने 63 बटालियंस रेज की थी, वो सब बेसिक पर्पस था जेएनके की, जो हालत थी उस वक्त उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होगी, हो सकता है ये धीरे धीरे रिड्यूस हो, अनलेस देयर इज अनदर थ्रेट जिसके लिए कुछ और न्यू रेजिंग्स हो, तो वहां पे अब्सॉर्ब हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी समय ऐसा नहीं है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह इस तरह के इतने लापरवाह होंगे कि वो डेफिशिएंसी बढ़ते देने देंगे और वो अपने इस पॉइंट को रेज नहीं करेंगे एट द अप्रोप्रिएट लेवल। ये और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जब जरूरत पड़ती है। हमने ऑफिसर्स 62-5 के पहले इमरजेंसी कमीशन में 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग में ऑफिसर्स बनाए थे, और मैं आपको कह दूं, हमारे मेरा कोस्टमेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ही वाज विदाउट इवन अ वायोस कोर्स, ही वेंट एंड फॉट द वॉर इन बसंतर, गॉट अ परमवीर चक्रा। सो ऐसे हैं कि जो हमारी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हमारी अकेडमीज में दी जाती है वो भी काफी सफिशिएंट होती है। इतना नहीं है कि हम उसको बिल्कुल कह दें कि वो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है, और इस तरह से हम थोड़ा शॉर्टन कर सकते हैं, कुछ इन सर्विस ट्रेनिंग कर सकते हैं यूनिट्स में भी काफी ट्रेनिंग होती है और वो भी बहुत कामयाब होती है। तो इन सब चीजों को तमाम तरीके हैं जिससे हम ये डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अलार्मिंग डेफिशिएंसी एटलीस्ट इन द केस ऑफ ऑफिसर्स इट इज नॉट देयर। जवानों के केस में अभी जरूर है, क्योंकि पिछले डेढ़ दो साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि जो रिक्रूटमेंट हुआ था स्पेशली एयरफोर्स में, आर्मी में तो ऐसा केस कमी है, एयरफोर्स में जिसमें कि सब कुछ कंप्लीट हो गया था और उनको केवल कॉल अप लेटर इश्यू होना था, ऐसे लोगों के लिए जरूर गवर्नमेंट संवेदनशीलता से उस एस्पेक्ट को देखे और उनको जरूर ट्रेनिंग के लिए बुलाए। अब उनको दोबारा पूरे प्रोसेस से जाने आई थिंक वो सही नहीं होगा, तो इसलिए वो उनको जरूर बुला लेना चाहिए। और डेफिशिएंसीज का मैं आई एम वेरी श्योर इन द नटसेल आई कैन से दैट दे विल बी मेड अप वेरी सून, अनलेस देयर इज अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस लाइकली टू हैपन, व्हिच ओनली द चीफ्स ऑफ एंड द अदर सीनियर ऑफिसर्स विल नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। जरूर जरूर सर, यहां पे ये बात तो सही है कि हाँ डेफिशिएंसी है और जरूरत पड़ने पर हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तैयार सोल्जर्स और अधिकारियों की जरूरत होगी। तो लेकिन यस, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता से अपने आप काम कर रहे होंगे। अमित सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं, बस एक छोटा सा सवाल शायद मैं, और साथ में आपका कंक्लूडिंग मैसेज भी यहाँ पे चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या विचारधारा रही होगी, क्या विजन रहा होगा फॉर्मिंग कमिटी और सरकार की अग्निपथ जैसे स्कीम को आज के दिन में लागू करने के लिए। मैं ट्रूथफुली बोलूंगा, इकोनॉमी का ही मेन है और कोई मुद्दा नहीं दिखता, क्योंकि इस समय अगर आप इसको, अगर ये योजना थी भी तो ये योजना को किस तरह से लागू किया गया, मुझे केवल इकोनॉमी की हुआ है कि आप कैसे अपना बजट उसको खत्म करके इधर से और उस पैसे को कहीं और लगाना है किसी और चीज में, वही मेरे हिसाब से तो वही मुद्दा लग रहा है। बिकॉज बाकी जो आप चीजें बोल रहे हैं वो उससे जस्टिफाई नहीं होती, मेरे हिसाब से तो नहीं होती। दूसरा, ये जो जन साहब बोल रहे थे इसमें एयरफोर्स के साथ साथ मैं इनको भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। जब कोई आप एक एडवर्टाइज करते हैं कोई भी विज्ञापन किसी भी बंदे के लिए और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, रंगरंगिया वर्ष कर सकते जजमेंट है, एक रिक्रूटमेंट स्कीम पूरी कंप्लीट किया तो जो बंदे जिनकी, क्योंकि मैं इसलिए इस पे दबाव दे रहा हूँ बिकॉज उनकी एज जा रही है,
आप उनको दोबारा जिनके आधे टेस्ट रह गए थे या जो बिल्कुल, इसीलिए पेटिशन में भी यही चीज पॉइंट डाला हुआ है, आधे टेस्ट रह जाना या दौड़ पास कर ली, रिटर्न रह गया, मेडिकल हो गया, इस तरह के थोड़े थोड़े टेस्ट रह गए उसको कंप्लीट कराइए पुरानी योजना में। कोई भी पॉलिसी आप लागू करते हो उसको प्रोस्पेक्टिव लागू, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक की है। इनको हमें कोर्ट में जाने नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। अगर आपको डिसीजन लेना तो इन सब चीजों में तो आपका लीगल एडवाइजर बैठा हुआ, वो खुद ही बताएगा। कोई भी स्कीम जब बनती है दैट स्कीम हैज टू बी प्रोस्पेक्टिव अंटिल अनलेस इट हैज सम इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट, कि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करो। इसमें ये बंदे में कई बंदे बेचारे जो चार साल से टेस्ट आधे अधूरे दे गए, उनको डेट दी जा रही है तुम अब आना अब आना, तो ऐसे आप अंधेरे में नहीं रखते जवानों, जो बंदे बेचारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। आप इनकी भर्तियां तो पूरी करा दो, इनका पूरी करा के भर्तियां, और एयरफोर्स का इनको पुरानी स्कीम में रखवा, जो पुरानी स्कीम है उसमें रखवा। नई स्कीम की तो हम ठीक है, मैं इनको आप मेरे पास जब मैं हाईकोर्ट से निकला हूं बाहर, कई सारे बंदे बेचारे बच्चे आ गए, मैंने इनको सबको यही बोला है, जैसे योगेंद्र साहब की बात आपने देखी, ये सोच है सोल्जर की, मैं इनको कभी मिसगाइड नहीं करूँ। मैंने कहा बच्चों तुम्हें कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट। धरना प्रदर्शन वाला सोल्जर हमें नहीं चाहिए आर्मी में, रिवोल्ट थोड़ी करना है हमें, चाहिए जो लड़ाई हमें लड़नी है गवर्नमेंट से वो हमारी योजनाओं की वो हम लड़ेंगे, जब हमारी देश की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो वहां जाके बस चला रहे हैं या कहीं पे धरना कर रहे हैं, वो बंदे चाहिए नहीं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी कहने में कोई नहीं आए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर ये नहीं अग्निवीर में नहीं हुआ कहीं और सिलेक्ट हो गए, लाइफ एंड नहीं होती, हमने यही समझाया उनको बच्चों को। दूसरी चीज जो बात रखनी है गवर्नमेंट के सामने और कोर्ट के थ्रू, वो हमने अलग लगाई कि वो बात अलग है, क्योंकि ये यहाँ पे यूथ की बात है, बाकी भी तो बच्चे आ रहे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी किसी ने एक सुसाइड कर लिया, दो बंदे, ठीक है इतना दुख होता है ऐसे बच्चे खोते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये कमजोर था, ये गलत बात है, कोई कमजोर नहीं होता, दबाव कुछ भी कर सकता, किसी से कुछ भी करवा सकता। मुझे मतलब बड़ा दुख के साथ कह रहे हैं, दो बंदे हम, दो बच्चे हम लोग अभी तक खो चुके हैं। इनको समझाना जैसे योगेंद्र साहब समझाए थे, तुम्हें अपने अंदर गट्स लाओ, हम तो बेस्ट ही मांगेंगे ना कि अब तुम आ रहे हो तो तुम ये क्यों सोच के आ रहे हो मेरे को यहाँ पे फौज का वो बनना है, अपनी मेहनत से आओ अगर तुम्हारे अंदर दम है, और उसमें 25 में सिलेक्ट हो जो भी 25% है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते जो चार साल हमारे साथ रहे, तो इसी योजना को थोड़ा सा डायल्यूट करके या गवर्नमेंट इसमें बोल दे, आप बोलते हो एक तरफ, आप यही बोलते हो ना कि हर एक आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए, आपके कितने सारे क्लर्कल जॉब से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके आज के बहुत जॉब्स हैं, आप जब इसको बोलोगे कि ये सब अग्निवीर के थ्रू आएंगे तो आपके देश में एक करप्शन माइंडेड जो सेट बैठा होता ना दूसरों सीखने का, वो हट जाएगा, नया लड़का आएगा हमसे सीख करके जाए, और वहां जाकर के वो एम्प्लॉयबिलिटी भी उसकी वैसी होगी। आप कर दो उसको कि आपकी पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, आप हमें क्यों कोटा दे रहे हो 10% ट्रेंड बंदे, आप हमारे बंदे को 100% एम्प्लॉय करो ऑल ओवर द कंट्री साइड, कि लोग बोले कि नहीं मुझे अग्निवीर चाहिए, तब इस योजना का फायदा होगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार ये सर्विस भी करनी है। और दूसरा, चार साल में हम जो उसको अंदर पेट्रोलिज्म प्लस जो कमिटमेंट ऑनेस्टी लॉयल्टी इनाम नमक निशान जैसा बताया, ये सब चीजें हम डाल देंगे और हम बेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है वो हमारी लड़ाई जो आगे चलेगी तो चलेगी। जन साहब बोल रहे हैं ठीक है इस पर विचार करेंगे, हम करेंगे, चैलेंजेस है चैलेंजेस देखेंगे, बट मेरा केवल ये मानना है जब कुछ ऐसा हुआ नहीं तो चैलेंज क्यों लेना, हमारे बंदे वैसे ही बेचारे ओवरलोड हो रहे हैं, ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, हर जगह शॉर्टेज, और हमने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको आप टेस्ट कर लो, हमें ना टेस्ट करो। और रही बात यूथ के साथ में ऐसा धोखा ना दो, तीन पॉइंट है, पहला पॉइंट है अग्निपथ स्कीम का जो मैंने आपको बताया इसलिए अगेंस्ट टू रीजन बता दिए, दूसरा पॉइंट है जो भर्तियां हुई हैं एयरफोर्स की सिलेक्टेड उनको आप निकालिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए सिस्टम में, क्योंकि आप ये सब चीजें आप अपने हमारे हेड ऑफ द आर्म से कहलवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसे, तो जो बंदा अंदर आ रहा है उसको ये तो रहना चाहिए कि हाँ चीफ साहब है वो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तीसरा, जो बंदे रिक्रूट होकर के अपने आधे एग्जाम दे करके आए, हमने अगर कमिटमेंट किए हैं, फौजी आदमी का काम होता है कमिटमेंट, हमारे जनरल्स को वहां पे जाके यही बोलना है कि ये कमिटमेंट खत्म करिए, बाकी हम देख लेंगे, बाकी जो हमारी मुद्दे हैं हम अपने पक्ष को अपने तरफ से रखेंगे, जैसे भी रखना है जो भी हमारी, अगर हो सकता है मैं भी अपने आप को सही नहीं बोलता, एक्सपीरियंस सबका है, जनरल साहब भी अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही, आज मेरी सोच ये है, मेरे साथ में कई लोगों की सोच ऐसी, हो सकता है चेंज हो जाए, आप समझ रहे मेरी बात, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से जो अभी लग रहा है, जो हमने सामने बोला, हमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मैं किसी भी, हमें जो आंसर मिल रहे हैं ना वो सब हाइपोथेसिस प्रिजम्पशंस एजम्पशंस ये मिल रहे हैं, हमें कोई भी चीज पक्की नहीं मिल रही है कि ऐसा होगा,
और एक्सपेरिमेंट हम क्यों करें, आप एक्सपेरिमेंट ना कराइए, आप केवल सीधा एक बार एक्सपेरिमेंट करना था, थोड़े बंदों को लेके एक्सपेरिमेंट करें, बस यही बोल रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद टू एवरीवन। एंड सॉरी सर, माई एम वॉज नॉट टू यू नो, इट्स अ डिस्कशन सर, जस्ट डोंट टेक इट टू दिस थिंग। माई टूडे ऑल्सो इफ यू विल से इन द फ्रंट ऑफ चैनल गेट इन टू मुर्गा पोजिशन, आई विल गेट इन टू मुर्गा पोजिशन, दैट प्लीज सर डोंट टेक इट टू योर हार्ट। नहीं सर, इन्हीं विचारों के मतभेद से जवाब निकलते हैं, क्योंकि आज के दिन में वही है कि आप उन सभी के चेहरे बनकर आज सामने आए हैं जिनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, जो जिनके पास शायद आज के दिन में कोई मंच नहीं है जहां पे अपने सवाल पूछ सकें, तो उनके सवालों के जवाब मिले हैं। तो मैं आप सभी के विचारों का आदर, लेकिन मतभेद को भी उतना ही, हर मतभेद का उतना ही स्वागत करता हूँ। एक मैं योगेंद्र सर के पास, सर मैं आपका कंक्लूडिंग मैच लेने से पहले योगेंद्र सर से एक सवाल पूछूंगा। इन्होंने रेजिमेंट की बात उठाई थी, पलटन की बात उठाई थी, तो मैं आपकी राय, क्योंकि पलटन अपने आप में हर किसी का एक जोश होता है भारतीय सेना में, चाहे वो जवान हो या अधिकारी हो, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो रेजिमेंटल सिस्टम है, जो पलटन की पलटन का तरीका है भारतीय सेना में, उस पर कितना असर पड़ेगा इस छोटे से चार साल वाले अग्निपथ के स्कीम से? पलटन एक जवान का, चाहे वो अधिकारी है चाहे सिपाही है, उसका वो घर होता है और वो उसकी पहचान होती है, वही उसकी पलटन ही उसकी जान होती है। उसके अंदर पलटन का नाम उसके रूह में बस गया होता है, तो वो उस पलटन के नाम के लिए सर सब कुछ नौछावर करने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि उसको उस पलटन के नाम पर, पलटन पर विश्वास होता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी पलटन मेरे परिवार का देख जिंदगी भर देखभाल करेगी, और आज पलटनें कर रही हैं। और जब पलटनें अपने जवानों की, चाहे वो शहीद हो गया है चाहे वो विकलांग हो गया है, जीवन पर्यंत सर उसकी देखभाल हो रही है, तो उसी चीज को देख करके जो दूसरे यूथ हैं, पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, जो फौज उनके घर जाती है, उनकी देखभाल पूछती है, खैरियत पूछती है, कैसे हो बच्चे, क्या कर रहे हैं, सर वो जवानों के अंदर एक नया मनोबल बढ़ता है कि देखो हमारी फौज किस तरह की है। तो वो सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक जवान को अपने देश पर कुर्बान होने का। दूसरी चीज सर, जब आज जो पलटने हैं भारतीय सेना के अंदर रेजिमेंट वाइज है, कास्ट वाइज है, धर्म के बात में जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, मराठालाई रेजिमेंट, सबका अपना अपना एक महत्व है, अपना एक फैक्टर है, अपनी एक सब जो है उनका जोश और जुनून होता है। क्योंकि मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हूं, मेरे यहां ऑल इंडियन, ऑल इंडिया और ऑल कास्टिज के बनते हैं, लेकिन ज्यादातर बटालियन जो है कास्टिजम पे हैं, एक कंपनी यादवों की है, एक जाटों की, एक डोगरा की, एक वाईसी है, मैं ऐसी पलटन से। सर ये कास्टिजम होना कोई देश के लिए खतरा नहीं है, ये अपनी कास्ट के जोश और जुनून से कहीं ना कहीं राष्ट्र को बहुत बलवान बनाते हैं। सर एक स्प्रिट पैदा होती है कि यार मैं जाट हूं और वो यादव है, उनकी कंपनी हमसे पहले अटैक में जीत ना पाए, हैं? उनसे पहले हम सक्सेस हासिल कर लें। सर ये स्प्रिट होती है, अरे वो उन्होंने 5 ब्रिटेंट मारे हम 10 मारेंगे। सर एक नाम होता है, आप ये देखो सर, फौज के अंदर हो सकता नहीं होता सर ना, ये हो सकता है फौज में, तो ये होगा, होगा सर। रात को आदेश मिलता है कि ये सामान लगा होगा। अब सर हमें एक सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आगे हो सकता है वाला, सर सकता नहीं होता ना फौज में, फौज में तो सर होगा यही होता है। अभी सर अगले 10 से 15 साल के अंदर ऑल इंडिया ऑल कास्टिस के बेसिस के ऊपर भर्ती हो रही है, तो धीरे धीरे जब सर ये चीजें 15 साल के बाद एक जो रेजिमेंट का वजूद होगा
उस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा सर, ये फर्क पड़ेगा। अब उसको सर सीओ की चुनौती होगी, वो रेजिमेंटल जो अपना रेजिमेंटल अपना जो सीआरओ होते हैं, अपना जो ग्रुप कर्नल होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होगी। बोला अपनी चीज उठा करके दूसरों पर डालने की सर ये पॉलिटिकल लोग ही कर सकते हैं, हमारी फौज नहीं करती है। हमारी फौज अपनी जिम्मेवारी को स्वयं वहन करती है और उस जिम्मेवारी का 100% निर्वाह भी करती है। और तभी हम सर फौज के अंदर अपने मिशन को, अपने काम को पूर्ण कर सकते हैं। सर क्या हमारी फौज सर बोरविल में गिरे हुए बच्चे को ढूंढने या निकालने के लिए नहीं बनाई गई है? हमारी फौज पानी में डूबते हुए बच्चों को निकालने के लिए फौज का निर्माण नहीं हुआ। फौज का जो बेसिक निर्माण था कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और पीस टाइम युद्ध के लिए प्रिपेयर होना, उसकी ट्रेनिंग करना। आज सर फौज को हर काम के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, लेकिन फौज ने उसको एक प्राइड के रूप में जो है ना अडॉप्ट किया है कि बोला देश हम पे गर्व करता है, ये काम फौज कर सकती है तो हम इसको करेंगे। लेकिन इतने कामों की डिटेल आने के बाद सर जवानों के ऊपर प्रेशर 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 काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो सर हम कहीं ना कहीं अपनी और फौज को प्रेशर में डालने की चेष्टा तो नहीं कर रहे? और जब तनाव होता है ना सर, तनाव होता है तो कोई भी काम पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर आज मैं प्रेजेंट हालत बता रहा हूं सर, एक जवान को एक नहीं सर तीन तीन टास्क मिल रहे हैं, तीन तीन तक काम कर रहा है वो दिन रात अभी बोला जाता है 24/7 का एक सैनिक कर्मचारी। हाँ है सर, है लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेंटली रेस्ट तो चाहिए। अब सर तीन टास्क तो वो पहले ही कर रहा है, अभी सर उसके टास्कों की संख्या और इजाफा होने वाली है और उसमें सर और उस जवान का प्रेशर बढ़ेगा, उस सेक्शन कमांडर प्लेटून हवलदार कंपनी कमांडर का भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि काम कम नहीं होंगे, काम सर बढ़ेंगे, जवानों की डिफरेंसी होगी सर ये निश्चित है। हाँ, और जवान जब कम होंगे काम ज्यादा होगा तो सब काम का भार बढ़ेगा, मेंटली उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और आज सर आप बाहरी इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट में सर कितना हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, चाहे देश का हो चाहे दुनिया का हो, कितने हम बाहरी रूप से सर मेंटली तौर के ऊपर कमजोर हो चुके हैं। तो सर ये फौज भी इसी समाज का हिस्सा है, ये नौजवान जो आज बैठा है ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है सर। मेंटली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, जब हम बोलते हैं जो तो पढ़े लिखे लोग होते हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं सर, पढ़ाई लिखाई आज डिग्रियों की हो रही है, कागजों की हो रही है सर, ज्ञान की नहीं हो रही है। ज्ञान से मेंटल स्ट्रेंथ आती है सर। हमारी फौज के अंदर कोई कागजी डिग्री नहीं मिटती है सर, वहां ग्राउंड पे सिखाया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है, तभी वो मेंटली रूप के ऊपर फिजिकली रूप के ऊपर वो स्ट्रेंथ होता है सर। आईआईटी खड़गपुर में अभी मैं एक महीने पहले था सर, टॉपर था, टॉपर आईआईटी का है? सर उसने सुसाइड कर लिया। मगर क्यों कैसे? हम तो इनके ऊपर गर्व करता है सेना, देश गर्व कर रही है, क्यों? एक छोटी सी परेशानी आने के ऊपर, एक छोटी सी उसको कठिनाई आई थी, उस कठिनाई को वो सहन नहीं कर पाया। तो सर आज का जो अग्निवीर जब वहां पर जाएगा, जब उसको पहले से ही ये मालूम है कि मैं 4 साल के लिए हूं, कहीं ना कहीं उसके मेंटली और इफेक्ट पड़ेगा सर। उसको ये लगता, उसके मन के अंदर ये होता कि बोला भाई मैं 4 साल के लिए यहां आया हूं और मेरा जो है जाते ही सिलेक्शन पुलिस में हो जाएगा, मेरा जाते ही सिलेक्शन वहां हो जाएगा, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो सर ये हमारा और उसके अंदर और मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ती और हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता, इसमें कोई शक नहीं है सर।
चेंज आता और आएगा भी चेंज अगर इस योजना को गवर्नमेंट ने सही तरीके से साइकिल बना करके लागू कर दिया तो चेंज आएगा। अगर इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया तो सर इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, सर राष्ट्र को दिक्कतें आएंगी, हमारी सेना को भी दिक्कतें आएंगी। मैं सेना के उन तमाम सर ये जो हमारे सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं उनको भी सर नमन है कि आपका विचार सर आपकी सोच हमसे कहीं ज्यादा ऊंची है। मैं एक सिपाही हूं, मैं अपने सिपाही के स्तर से सोच करके उस सेक्शन कमांडर की बात करने का रखने का मेरे को मौका मिला, मैं उसी के स्तर की रख रहा हूं क्योंकि वो सेक्शन कमांडर ही हमारी भारतीय सेना का सबसे पावरफुल कमांडर होता है इन्फेंट्री के अंदर। डेफिनेटली सर, और जहां तक रही बात की है संभावनाओं के ऊपर आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते, कंफर्मेशन तो देना पड़ेगा। और हाँ, जहां तक रही भारतीय सेना की बात, चाहे वो बोरवेल से एक बच्चे को रेस्क्यू करना हो या चाहे फ्लड में फंसे लोगों को निकालना हो, भारतीय सेना आज के दिन में हर समय आखिरी उम्मीद, लास्ट रिसोर्ट फॉर एवरीथिंग है। और भारतीय सेना हर वक्त हर बार उस पर खरी उतरी है और आगे भी उतरती रहेगी। विवेक जी एक मिनट, ये योगेंद्र साहब ने जो बात बोली ना इसमें दो लाइन और ऐड हुई, ये जो मानसिक वाली बात बोली बिल्कुल सही बोली। अब इससे दो चीजें हैं, कैसे नुकसान पहुंच को हो सकता। एक बंदा होगा जिसको लगेगा कि नौकरी नहीं मिली, तो एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते इस पार्ट को कि वो किस तरह से किसी भी तरीके से अंदर 25% में आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का अगर माइंडसेट से अगर बंदा आया तो हमें तो वो बंदा नहीं मिलेगा ना जो हमें चाहिए, समझ रहे हो आप। ये जो बता रहे हैं वो यही चीज बता रहे हैं कि हमें अगर इस तरह से बंदा अंदर आता है, और तीसरी चीज जो कमांडिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर रहा है वहां भी करप्शन स्टार्ट हो सकता है नीचे लेवल पे। कमांडिंग ऑफिसर जो सिलेक्ट कर रहा है और जो बंदे, ये तो हो गई दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, जो बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ वो जाएगा लिटिगेशन में कि कमांडिंग ऑफिसर साहब ने चार में से मैं इससे बढ़िया था, मैं उससे बढ़िया था। ये सारी प्रॉब्लम कौन फेस करेगा, वो छोटी सी यूनिट जो उन अग्निवीर को लेके जा रही है, ट्रेनिंग से लेके लिटिगेशन से लेके गलत बंदा सिलेक्ट करने से, ये सब चीजें रूल आउट नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज आते हैं, प्रोबेबिलिटीज आते हैं, तो ये चीज मैं बस खाली ऐड करता हूं, बाकी नहीं। डेफिनेटली सर, हमारे पास एक और लड़का है, मैं ये चीज और कहना चाहूंगा सर, जैसे अभी जो है कर्नल साहब ने बोला, अभी जनरल साहब ने, देखिए ये क्यों क्या है, एक ये जो गवर्नमेंट जो लेकर के आई है कि बोला पेंशन फौज की भी बंद हो जानी चाहिए, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की बंद हो गई है, जिस तरह से हमारी स्टेट पुलिस की हो गई है, टीचर की हो गई है, तमाम की पेंशन बंद हो गई है। लेकिन सर ये बताइए, पेंशन बंद कर दीजिए ठीक है, और अगर पैसे की कमी पड़ रही है सर, ये ही एक सैनिक होता है जिसकी बदौलत पूरे कॉरपोरेट चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, कि वो 10 फुट बर्फ में खड़े होकर के सर वहां पर ड्यूटी दिन रात दे रहा है, क्या उसको इतना हक नहीं है, क्या उसके परिवार को इतना हक नहीं है कि अगर वो शहीद हो जाता देश के लिए तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए, वो अपने अंग को दान, अपने अंग को दे देता है सर, क्या उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और यही जरूरत है सर, मैं सर ये कहना चाहूंगा कि देश का हर भूतपूर्व सैनिक अपनी एक एक दिन की पेंशन को गवर्नमेंट को देने को तैयार है सर। पेंशन ले लो सर, हमारी एक दिन की पेंशन ले लो, काट लो। जब पॉलिटिकल लोग सर दो दो बार, एक बार विधायक बनता है एक बार सांसद बनता है, वो दो दो बार पेंशन ले रहा है, वो दो दो बार पेंशन ले रहे हैं सर, हम एक पेंशन ले रहे हैं सर। पूरा जीवन देश के लिए एक सैनिक अपने को खपा देता है, पूरा 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 जीवन खपा देता है, और तब सर देश कुछ नहीं मांग रहा, उसका कर्तव्य उसका दायित्व सर, 24/7 की रक्षा करना। ये जो पेंशन और सैलरी की बात करते हैं ना, ये 10 से 5 की ड्यूटी नहीं है विवेक जी, 10 से 5 की ड्यूटी नहीं है ये, 24/7 जो सोता है ना वो मानसिक अंदर रहता है कल क्या करना है, तो ये 24/7 की जो ड्यूटीज है ना ये कोई नहीं करता इस देश में, ये केवल एक फौजी करता है या फोर्सेस के बंदे करते हैं 24/7 मेंटली फिजिकली। इसी चीज के ऊपर मैंने दिया हुआ है, अगले रविवार को मैं पक्का से चाहूंगा कि मैं आपके विचारों को फिर से लूं, मैं डिसेबिलिटी और पेंशन के ऊपर के ही टॉपिक पे नेक्स्ट संडे बात करूंगा, क्योंकि ये 5 मिनट में चर्चा का ये हो ही नहीं सकता, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इस टॉपिक को, इसके लिए बाकायदा वक्त देना पड़ेगा। मैं पक्का से चाहूंगा कि आप अपने विचार को उस वक्त भी रखें, तो जरूरी है। आप भी हमारे साथ मनोज कुमार हैं जो कि भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो मनोज अपना सवाल पूछ सकते हो, आप किन से पूछना चाहोगे?
मनोज एक सेकंड, आवाज आप, म्यूट है तुम सभी लोगों से है। हाँ बोलो बोलो, अभी आवाज आ रही है। जय हिंद सर। सर मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं हरियाणा से हूँ। सर मेरा सवाल उन सभी लोगों से है जो अग्निपथ स्कीम को सही और यूजफुल बताते हैं। सर मैंने 2019 के लास्ट में फॉर्म फिल किया था एयरफोर्स के लिए, और सर उसका एग्जाम पहले पोस्टपोन किया कोरोना की वजह से, और उसके बाद नवंबर 2021 में उस एग्जाम को लिया गया और सर मैंने उसे क्वालिफाई किया, और उसके बाद फिजिकल मेडिकल जीडी सब कुछ क्लियर करने के बाद हम 7000 स्टूडेंट्स एयरफोर्स के ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में थे। सर उसके बाद एक साल बीत गया, हर महीने यही अपडेट आता रहा कि आप ईमेल चेक करते रहो, आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाएंगे। और सर अचानक 14 जून को सरकार ने इन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया। सर आप ही बताइए हमारे साथ कहां न्याय हुआ। चतुर्वेदी सर आपकी यहाँ पे मैं राय जानना चाहूंगा। मनोज विवेक, मैं पहले ही इस बारे में बोल चुका हूँ, और शायद मनोज उस वक्त शायद नहीं थे। बेटा मनोज, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने क्वालिफाई किया है, पुराने टर्म्स एंड कंडीशन के तहत क्वालिफाई किया है, और इसलिए आपको उसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत लिया जाना चाहिए। ये मेरा विचार है, और ये मैंने एक्सप्रेस भी किया है, अपनी रिकमेंडेशन में भी दिया है, और होपफुली जरूर होगा। लेकिन आप एक चीज मैं जरूर बताता हूँ कि आप दूसरी जगह भी ट्राई करते रहिए। अग्निवीर में अगर एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए भी कोशिश करिए, ये ऑप्शंस मत छोड़ना, और अपने आप को बाकी जगह टाइम बार्ड मत कर दीजिएगा। वो जरूर है, मैं समझता हूँ आपके शायद आपको कॉल अप लेटर आना चाहिए अंडर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। आपका केस बिल्कुल जायज है, और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाकी जगह भी आप कोशिश करते रहिए न्याय की इस पूरी जो प्रणाली है उसमें। नहीं मालूम कितना टाइम लग जाए और क्या हो जाए, तो आप जरूर इस बात के, और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको लिया जाना चाहिए। मनोज सब यही चाहते हैं कि आप अपनी उम्मीद और मेहनत दोनों बरकरार रखें, चीजें अच्छी होंगी, और वही मेहनत आप साथ में जारी रखिए, उम्मीद भी बनाए रखिए। इनके सवाल पे अमित सर अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो। नहीं, मैंने पहले बताया कि जो आप लोग काम कर रहे हो, पहली चीज तो किसी भी गलत उसमें नहीं जाना, किसी के बहकावे में नहीं आना। आपकी उम्र है, और अगर ऊपर वाला कहता है ना कि कभी कभी भगवान कुछ ऐसे सिचुएशन में डाल देता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको, आपने तैयारी कर ली, इधर कर लिया, लेकिन आप जैसे जनरल साहब ने बोला बिल्कुल वही फॉलो कीजिए। आप दूसरी जगह भी ट्राई कीजिए, अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि आपका भविष्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी वही है। ये जो आएगा फैसला वो देखा जाएगा, और अगर आएगा भी तो वो जैसे बताया कि हम लोगों ने जो बोला लॉ के खिलाफ है, तो इनको हमें, मुझे अपने जजेस पे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के साथ न्याय होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। जिनका एज, क्योंकि अभी मैं दोबारा आपको रीटेस्ट के लिए भी नहीं बोल सकता, एज निकल गई है कई लोगों की, तो आप लोग बस ये तो आपने कर दिया, आप इसको रोक दीजिए, और उसके बाद आप बाकी कीजिए। जो PIL है उसका फायदा सबको होगा, तो हर एक आदमी को लिटिगेंट बनने की जरूरत नहीं, जो फायदा होगा वो सबको होगा, सारे बंदों को होगा। ये दोनों पॉइंट है उसमें। पहला पॉइंट है जिनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनको चालू किया जाए ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो आधे टेस्ट है। दूसरा पॉइंट है जो सिलेक्शन हो गए उनको कॉल लेटर दिया जाए। ये तीन चीजें अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट है, और मैं चाहता हूँ अग्निपथ आप बाद में डिसाइड कर लें, पहले इन बच्चों को देख लें, बिकॉज इनका जरूरी है, इनको अभी सिलेक्शन के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, अगर अग्निपथ को कैंसिल होती है तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली वो जितने हैं उनको आप रिजॉल्व अपना आप ही अकोमोडेट हो जाएंगे परमानेंट उसमें पेंशन में। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग का केस सॉल्व होना ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप लोग बस खाली अपना, बाकी बच्चों को भी यही बताना, कहीं नहीं जाना। ये दो तीन जगह ऐसी चीजें हो रही है, मैं देख रहा था दिल्ली चलो धरना दो, ये सब के लिए आप लोग नहीं बने हो, कभी इन सब चीजों में आपका प्रदर्शन है, आप सोशल उसमें हो, आप अपनी पॉइंट बोलो, बट इन सब चीजों में नहीं आना, कभी गलत चीजों में नहीं आना, अपनी तैयारी करो। ये टेस्ट जरूरी थोड़ी है, अगर ये होगी नहीं हुआ तो कहीं और सक्सीड नहीं होगा, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज और बड़ी होती है, ऊपर वाला ऐसे रास्ता खोजता है, और अगर आपके अंदर गट्स है तो आप कर लो, इतना दिमाग में रखो।
डेफिनेटली आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए और आपके लिए रास्ते अपने आप, जरिए और रास्ते दोनों अपने आप खुलेंगे। भारत आज भी अपॉर्चुनिटीज का देश है, अगर आपके अंदर जज्बा है, मेहनत है और टैलेंट है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली होगी। शाहराज सर, आपके तरफ से मैं सुनना चाहूंगा, इन छात्रों मनोज उज्जवल जैसे बहुत सारे जो भारतीय सेना में जाने का सपना लेकर चलते हैं, उनके लिए आपका संदेश? हार मत मानो, बस इतना ही। सबको वही बोल, बॉक्सिंग लीग में मार खाने के बाद जब गिरता है वो उधर हारता नहीं है, जब तक वो नहीं बोलेगा मैं हार चुका हूँ तब तक वो उधर वापस नहीं खड़ा हो जाएगा। तो हार मत मानो यार, मुश्किल वक्त कमांडो सब। डेफिनेटली थैंक यू सर। योगेंद्र सर, आपका कंक्लूडिंग मैसेज सबके लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए। क्या सर? आपका कंक्लूडिंग मैसेज इन सबके लिए, संदेश मनोज और उज्जवल और ऐसे बहुत सारे छात्रों के लिए जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश? नहीं बिल्कुल, जो है भारतीय सेना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को एक नई ऊर्जा का ऊर्जा प्रदान करती है और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का ये प्लेटफॉर्म है। और मैं जैसे मनोज जैसे युवा है, जो आप जैसे, यही तो इस देश की ताकत है, देश की शक्ति है और सेना की शक्ति अगर बनते हैं तो ये अपने आप को सौभाग्यशाली हैं आप, अगर सेना के अंदर आपने सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन अंदर सिपाही बनते हैं। और जो आपका जो आपकी आपने बताया कि वो हो गया है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप जो आपके सामने अभी जो चीजें आ रही हैं उसको, उसमें सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब शेर दो कदम पीछे हटता है ना तो वो डरता नहीं है बल्कि एक लंबी छलांग के लिए तैयार होता है। तो थोड़ा सा झटका लगा है तो आपको अपने जीवन में एक नई चुनौती को सामना करने के लिए तैयार होना है और आप आगे बढ़िए और अपने राष्ट्र सर्वप्रथम, आप याद रखना राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। और जो असामाजिक तत्व होते, बहुत लोग मिलेंगे बोला चलो धरना देते हैं, चलो आगजनी करते हैं, बेटा ये नहीं करना, क्योंकि देश हमारा है, देश के संसाधन हमारे हैं, ये देश नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है। और घर में कभी कोई अगर ऐसी बुजुर्ग ने कुछ ने कुछ कह दिया तो वो कहीं ना कहीं शिक्षित है हमारे लिए, कोई ज्ञान दे रहे हैं, कोई गलत नहीं है। तो आपने धैर्य से सकारात्मक सोच के साथ जो आपके साथ आज सामने आ रहा है उसको स्वीकार करो, उसके अंदर ध्यान लगाओ, उसके अंदर मेहनत करो और अपने भविष्य को, अपने कैरियर को बनाने की तैयारी में लगो, किसी के बहकावे मत आओ। सर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, समय की सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, कब पता ही नहीं चला वक्त का। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी सर, जनरल अमित कुमार सर, कैप्टन योगेंद्र सिंह सर एंड कमांडर शाहराज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर 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 जरूर। मैं दो तीन बातें कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं अग्निवीर के लिए वो ये भी है कि अग्निवीर की और नॉर्मल सोल्जर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सेम होनी चाहिए। अगर उनको 60 दिन छुट्टी मिलती है तो इनको भी 60 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, प्रेजेंटली इट इज 30 डेज, ये गलत है। और इसके अलावा जो डीए 9% अगर हमको एक साल में 8% डीए मिलता है तो ये डीए भी उनको मिलना चाहिए, जो आज 30,000 है तो 2023 में ये 30,000 प्लस 8% होनी चाहिए और 24 में और जो भी डीए नेक्स्ट ईयर अनाउंस होगा वो होना चाहिए। अग्निवीर को अलग कोई ड्रेस या वो चीफ साहब ने मेरे को बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ पत्रकारों ने और कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा आया था, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी यूनिट का मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग है वन है और वही रहना चाहिए, सब ऊपर से लेके नीचे तक सब एक होने चाहिए, अग्निवीर और नॉर्मल सोल्जर में कोई डिफ्रेंसिएशन यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात पेंशन की, जो एक साल बढ़ा दीजिए, ग्रेच्युटी भी मिल जाएगी, अगर एक साल बढ़ जाएगा 5 साल हो जाएगा। मैंने तो 7 साल के लिए बोला है, मैंने 7 ईयर्स के लिए बोला है, बट लेट अस सी that is in the thinking stage only. इसके अलावा जो पेंशन की बात की है योगेंद्र यादव सिंह जी ने, बहुत सही बोली है, ये 2006 से मैंने 6 CPC हैंडल किया था और जिसमें कि मिलिट्री सर्विस पे इंट्रोड्यूस हुई थी और
लेफ्टिनेंट कर्नल स्पेवेंट 4 में गए थे, ये बहुत बड़ा हमने, मैं समझता हूँ कि उस वक्त का बहुत एक अच्छा हमारे लिए एक अचीवमेंट था। उस वक्त भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था और केवल यही था, मैंने बहुत, प्रणब मुखर्जी थे, ए के एंटनी थे, इन सब से मैंने प्रेजेंटेशन दी है सारे तीनों चीफ एडमिरल सुरेश मेहता के साथ, और यही मेरा पॉइंट था कि ये एक ऐसी फौज है जिसका जो रिटायर जल्दी होते हैं वो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है, भारत की सेना की रिक्वायरमेंट है, सशस्त्र सेनाओं की रिक्वायरमेंट में कि हम जैसे एजेड लोगों को नहीं रख सकते, और जब वो रिटायर होते हैं 35 से 45 साल के बीच में, उस वक्त उनकी जो जिम्मेदारियां हैं सबसे ज्यादा होती हैं। अभी बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता को देखभाल करनी होती है, घर बनवाना पड़ता है, बच्चों की शिक्षा की पूरी देखभाल करनी पड़ती है, उनकी शादियां करनी पड़ती हैं। अगर आपने इसको न्यू पेंशन स्कीम में लिया है जिसमें नहीं मालूम कि मुझे क्या मिलेगा, अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो कि हमारे जवानों के लिए बहुत हानिकारक होगी, और ये सब चीजों को उस वक्त मैंने ये प्रूव किया था कि हमारे जवान का, कैन यू बिलीव विवेक जी, इतने सेहतमंद होके, इतनी अच्छी आर्मी में नौकरी करने के बाद, फिजिकल फिटनेस पे जोर देने के बाद भी नेशनल एवरेज से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी फौजियों की, और यह इसीलिए थी कि अनसर्टेनिटी थी, उनको मालूम नहीं उन पे इतना जिम्मेदारियां आती थी जब वो रिटायर होते थे, और इसलिए ये पेंशन स्कीम रही है 7CPC में मैंने अब, और मैं अभी भी जोर अगर देते हैं तो हमको ये किसी हालत में मंजूर नहीं होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स की प्लीज, माय ओनली रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू दैट सीनियर ऑफिसर्स आल्सो राइज फ्रॉम वन ऑफ यू, आप ही के वो भी एक कैप्टन लेफ्टिनेंट और मेजर बन के ही ऊपर आए हैं, उनके प्रति इतना वो मत, थोड़ा विश्वास रखिए, दे आर डूइंग ए गुड जॉब, एक्सेप्शंस वन ऑट मे बी देयर, बट 99.9% आई कैन से दे फाइट फॉर यू, दे फाइट फॉर द आर्म फोर्सेस, दे फाइट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड दे फाइट फॉर द नेशन। So please, definitely, let's not have this ever. Why it has pained me today, but doesn't matter. This is a very informal discussion tha. Main apne bachchon ko Ujjwal aur Manoj jo yahan par the, bahut bahut shubhkamnaen deta hu. Mujhe pura vishwas hai ki yuva Bharat ki shakti hai aur ye yuva hi Bharat ko yash aur keert ke sabse shikhar par le jayenge. Aap mehnat karo beta. आप भी भारत के भविष्य हो और यू विल अचीव एवरीथिंग। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, मैं आप सभी के विचारों का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे सारे दर्शक, सारे व्यूअर्स और मनोज और उज्जवल जैसे देश के युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।